ठीक है चले ओके। अच्छा 288 हो गया। जाहिद भाई गायब सिंह, गायब सिंह नहीं है भाई, मैं 4 महीने बाद वापस आया हूँ। मैं हजार एक काम पड़े थे इधर, उनमें लगा हुआ था मैं 1-2 दिन। अच्छा 300 हो गए भाई। चलो सबसे पहले मुझे क्विकली जरा चैट में सारे लिख के बताओ कि भाई आप लोगों के लिए कैसे जा रहे हैं अभी तक, समझ आ रही है सब, फॉलो कर पा रहे हो? बिगनर्स का अलग, जाहिर है कि उनका अलग अलग चल रहा है पूरा सीक्वेंस में, जो एडवांस वगैरह सारी दूसरी चीजें वो मेरे साथ चल रही है। आप लोगों ने वीडियोस देखे हैं, समझ गए हो, कंसेप्ट समझ आ रहा है, सही जा रहा है, ताकि मुझे एक अंदाजा हो कि भाई हम किस स्पीड से हम जा रहे हैं और लोगों को सबको साथ लेके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कि क्या गड़बड़ चल रहे हैं वगैरह वगैरह सारे। ओके माद, ये स्पीड कम नहीं है ये आप लोगों के, मुझे नहीं समझ आता कि आप लोगों का दिमाग कैसे काम करता है। ये मैंने देखा है अभी चैट पे भी, ये 4-5 लोग वो कह रहे थे और कुछ दिनों पहले भी बोल रहे थे, मुझे नहीं समझ आता कि दिमाग के कौन से खुलिये को आप लोगों ने एक्टिवेट किया हुआ है जो आप लोगों को इस किस्म का कोई आइडिया देता है कि भाई स्पीड स्लो है। अगर हम यहाँ पे रोज के दो दो सेशन करें, कर तो सकते हैं, फिर तो क्या होगा, आप में से किसी एक बंदे को बीच घंटा भी समझ नहीं आएगा कि हो रहा क्या है। दूसरा ये है कि एक बंदा जो है वो किसी को 20% कुछ आता है, किसी को आता ही नहीं है, किसी को कोई 25-30% आता है, किसी ने वो कुछ नाम वाम भी नहीं सुना हुआ कि भाई इम्बैलेंस क्या है, फलाना क्या है, ढिमकाना क्या है, ये क्या वो क्या। तो अब हम सेशन फालतू में क्यों करें खाम खा, 20-20 सेशन करो और उसके बाद समझ किसी को नहीं आ रहा। जो रिकॉर्डिंग अभी भी पड़ी हुई है उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 200-300 से ऊपर हैं जो कह रहे हैं कि हम फॉलो नहीं कर पाते उसको सही से, क्योंकि हमारे हजार मसले, हमारा डेली लाइफ स्टाइल, हमारा काम हिसाब किताब, ये वो टाइमिंग के वजह से वो उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। तो अगर हम ज्यादा सेशन करते जाएंगे तो फिर उसका फायदा क्या है? दूसरा ये कि आपने जहन में पता नहीं क्या रखा होगा, जब आप ग्रुप में आए हो तो आपने दिखा है साफ सुथरा ऊपर लिखा हुआ है और प्रेजेंटेशन भी थी, 50 दफा उसके बारे में पोस्ट किया कि भाई ये 4 मंथ्स कोर्स है, 4 मंथ्स चैलेंज। ये नहीं है कि 30 दिन में, 35-40 दिन में जो है वो आप लोग इधर आओगे भाई, आप कोई पता नहीं 30 मार खान बन के फिर आप निकल जाओगे। तो लिहाजा आप अगर जहन में 40 दिन सो या 4 महीने सोचते हो तो उस 4 महीने के हिसाब से जो है वो आप अगर कहो कि स्पीड स्लो है तो फिर इस हिसाब से इसका मतलब ये हुआ कि कोई 15-20 साल की जो चीजें हैं वो शायद आपको 4 महीने में हम सिखाने वाले हैं जिसकी वजह से हम बड़ा स्लो जा रहे हैं। तो इसको जहनों में रखें सारा ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है अच्छा भाई, स्क्रीन तो दिख रहा है ना सबको? जी सर, दिख रहा है। ठीक है वंडरफुल। किधर है वो? ये तो वही ठीक है। अच्छा अभी आप लोग चैट से दूर हो जाओ, थोड़ी देर में जो है मैं आपको बोलूंगा कि कोई सवाल जवाब जो भी आप लोगों का तो आप चैट पे भी लिखते हो, वैसे भी कुछ सवाल हम वहां पे ले लेंगे। और ये एनोटेशंस वगैरह ये कुछ रही हैं बंद करो, बाद में फिर आप लोग जो है वो सुबह शाम माफिया मांगते हो कि भाई गलती हो गई, ये हो गया वो, स्क्रीन के ऊपर जो है वो किधर है, बंद तो कर दिया, क्लियर किधर से होता है? एक तो जूम भी बहुत कुछ रही चीज है। अच्छा सही है, चैट से सारे दूर हो जाओ भाई, गौर से सुनो क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ। सेशन जो है कोई 2 घंटे का है नहीं, और उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है 10-15 मिनट बाद फिर आप लोग चैट पे सवाल करो, उसके जवाब मिल जाएंगे आपको। इसी तरह कुछ लोग जो है वो उसको ले लेंगे वॉइस कॉल पे इधर, उनका जो भी हाथ उठाए हुए जिन लोगों ने, और उसके बाद फिर दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहली चीज़
थोड़ा सा रिवीजन करते हैं हल्का फुल्का। महीना पूरा जो खत्म होने वाला है 1 मई से, हमने के 2 मई से सेशंस वगैरह शुरू किए हुए, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ताकि लोगों को समझ आ जाए। और उसके साथ साथ मैं एक दो चीजें यहाँ पे बताता हूँ आपको ट्रेंड के हवाले से, ताकि आपके जहनों में याद है कि बेसिकली अप ट्रेंड क्या होता है। सिर्फ ये नहीं है कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है या किसी भी कॉइन की प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो वो अप ट्रेंड है या तो वो बुल रन है। ये हमारे लोगों में जहनों में उनका एक पिक्चर बना हुआ है, तो उसको गलत तरीके से परसीव किया गया, तो उनको थोड़ा सा जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है कि भाई असल में अप ट्रेंड क्या होता है वर्सेस अगर आपका कोई अप ट्रेंड ना हो, यानी एक कहने को तो एक किस्म का अप ट्रेंड ये लफ्जी मानो में कि भाई ऊपर जा रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अप ट्रेंड हो। अप ट्रेंड से मतलब कुछ और होता है। तो प्राइस अगर टेम्परेरी आपका जो है वो 2 4 दिन या 2 4 8 घंटे अगर ऊपर जाता है, उसका मतलब भी नहीं कि वो अप ट्रेंड। तो लिहाजा उसमें बहुत सारे लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो मार्केट को सही से रीड नहीं कर पाते। ठीक है जी। अच्छा, तो सबसे पहली चीज कि भाई आपने जो है वो ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह वो कैसे स्पॉट करने, कैसे ढूंढने उसको, उसके 2 3 कंडीशंस थे वो मैं आपको भी बताता हूँ। इसके थोड़ा साइड पे करें सर। अच्छा, उसके लिए एक काम करते हैं कि हम एक तो किसी वजह से जो है वो यहाँ पे कंप्यूटर पता नहीं इतना सा बंद रहा है, हंग हो गया। अच्छा आवाज वगैरह तो क्लियर है ना मेरी? जी सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है, स्क्रीन भी क्लियर है, आवाज भी क्लियर। अच्छा सही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही सही। थोड़ा बहुत शोर आ रहा है बीच में, वो मेरी कुर्सी है, मैं इसे पीछे जाता हूँ ना जब, तो वो खुर खुर निकलता है उसका। अच्छा क्या था वो कि भाई आपने फाइंड ओबीस, ओबीस का मतलब है ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक है जी, पहली चीज। और साथ साथ हम इसको ऐसे भी करते हैं कि उसी को दो कर लेते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स को भी कर लेते हैं और साथ में इम्बेलेंस भी, ताकि हम इसको इसको एक साथ रिवाइज करें। ठीक है, ये पहली चीज है। चार्ट पे जाएंगे स्ट्रेट अवे कि भाई आपने ऑर्डर ब्लॉक्स और आपने अपना इम्बेलेंसेस वगैरह वो कैसे ढूंढना है। तो पहली चीज ऑर्डर ब्लॉक्स। अब ऑर्डर ब्लॉक्स बेसिकली क्या है, वो साफ सुथरा ऐसा है लफ्जी मालूम है कि माल पड़ा हुआ है, वो माल ऐसा है कि फर्ज करें इस जगह पे, लेट्स से यहाँ पे कहीं माल पड़ा हुआ। अब मार्केट आपकी क्या करती है कि भाई वो यहाँ से जो है वो ड्रॉप हो चुकी है, इम्पल्सिव ड्रॉप, या इम्पल्सिव छोड़ दो, वो कंडीशन में बाद में आ जाएगी। अब यहाँ से ड्रॉप हुआ चाहे जैसे भी हो, आपको पता है माल पड़ा हुआ, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पे जो है आपका माल पड़ा हुआ उसके बाद बाकी और कुछ नहीं। फिर जब मार्केट थोड़ा नीचे आके कंसोलिडेशन हल्की फुल्की करती है, चाहे वो 1 2 कैंडल्स की हो, 4 की हो, 5 की हो, 10 की हो, डिपेंड करता है कौन सा टाइम फ्रेम, वो कोई 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, तो हो सकता है कि आपके 4 5 कैंडल्स हो, या 4 5 से भी ज्यादा हो सकते हैं। अगर वो 1 घंटे का, हो सकता है कि 3 4 हो, अगर वो 4 घंटे का, तो हो सकता है सिर्फ 2 कैंडल्स हो, 1 कैंडल हो, और इसी तरह हो सकता है डेली पे कि वो भी 1 2 कैंडल्स हो। ठीक है जी, बहरहाल वो डिफर करता है कि आपका टाइम फ्रेम जो है वो कौन सा। भाई ये जिनको आवाज नहीं आ रही है इसको तो ठीक कर रहे यार, मैं क्या कर सकता हूँ, इंटरनेट का इशू होगा सर, बाकी तो सही आ रही है। सही है, ठीक है, ऑल राइट। वंस अगेन फिर से करता हूँ, फर्ज करें भाई आपका, बल्कि इसको छुपा देते हैं यहाँ से 1 सेकंड के लिए, मिसाल के तौर पे ये किधर जा रहा है, ये बदबख्त गायब क्यों हो रहा है, इसको ऐसे करो, यहाँ से इसको पकड़ के नीचे करो, अब नहीं जाएगा। अच्छा ये हो गया, इसको भी मिनिमाइज करो। ठीक है, आ जाओ इधर, फर्ज करें यहाँ पे आपका जो है वो माल पड़ा, मैं बताऊंगा क्या मतलब है इसका। ठीक है, फिलहाल ऐसे ही समझे इसको क्या माल पड़ा। ऑर्डर ब्लॉक का बेसिकली मतलब भी यही होता है कि माल पड़ा हुआ, माल और पैसा एक ही चीज़ है और लिक्विडिटी जो है वो एक ही चीज़ है। ठीक है, आसान अल्फाज में उसको मैं माल बोलता हूँ ताकि आप सबके समझ में आ जाए। अब यहाँ से होता क्या है कि भाई आपकी मार्केट जो है वो करते करते आगे या नीचे, राइट, यहाँ पे आपका माल पड़ा हुआ। इसी तरह क्या होता है कि भाई इस जगह पे आके थोड़ा सा बाउंस किया ना इसने, ठीक है, और उसके बाद जब वापस नीचे जाता है तो यहाँ पे भी आपका इम्बेलेंस भी बनता है, और एट द सेम टाइम आपका जो है वो ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पे, यानी दोबारा से माल यहाँ पे पड़ा होता है। मार्केट आपकी दोबारा से रिवर्स करके ऊपर आती है, इसको बोलते हैं करेक्टिव फेज, या फिर इसको बोलते हैं कि आपका बेरिश फ्यूचर्स है। मिसाल के तौर पे अगर ये फर्ज करें आपका कोई सपोर्ट जोन था ना, जिधर से ब्रेक करके नीचे आ गई प्राइस,
ठीक है, थोड़ा तरीके से आराम से फिर से बोलता हूँ, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई। फर्ज करें कि भाई आपका जो है ये जोन जो है ये सपोर्ट, ठीक है, इसके ऊपर हम ऐसा करते हैं कि लिख भी लेते हैं ताकि सबको सही से समझ आ जाए। ये सपोर्ट है भाई आपका। अब होता क्या है कि प्राइस यहाँ घूम रही है, टक टक करते करते डल यहाँ से ड्रॉप हो गया, ठीक है, ये सपोर्ट जोन था आपका। अच्छा, और इसको भी थोड़ा सीधे हाथ पे ले जाते हैं ताकि आप लोग को या सही से दिखे, ठीक है, ये हो गया सपोर्ट जोन। अब यहाँ से आपका या डिमांड जोन, इसको वैसे कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, फिलहाल चैट से दूर रहो ना आप लोग, इधर गौर से इधर फोकस करो, चैट छोड़ दो। रिकॉर्डिंग तो वैसे भी आ जाएगी ना, तो आप लोग उसको दोबारा से देख लोगे, मगर फिलहाल फोकस करेंगे। ये रिवीजन एक ही बार है, ये तो रोज आना, तो हम इसी चीज के ऊपर बात नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये आपका सपोर्ट या डिमांड जोन था। यहाँ से क्या हुआ कि प्राइस आया, हल्का फुल्का बाउंस किया थोड़ा बहुत, और उसके बाद डल्स फेल होके सीधा नीचे गिर गया, इसको ब्रीच किया, नीचे गिर गया, ठीक है। ये जगह ऑटोमेटिकली जहाँ से आपका ब्रेक होता है ना, ऑटोमेटिकली समझ लें, जहन में यही रखें कि यहाँ पे आपका माल वाल पड़ा हुआ है। एट द सेम टाइम 8 out of 10 times यहाँ पे आपका इम्बेलेंस भी बन जाता है। अच्छा, अब इम्बेलेंस क्या है उसके ऊपर मैं आऊंगा, पहले मॉडल ब्लॉक जरा क्लियर कर लूँ। अच्छा, क्योंकि हमें पता है कि इस एरिया में जो है वो आपका माल पड़ा हुआ है, कभी हो सकता है ये पूरा ये वाला जोन, ठीक है, प्राइस आगे नीचे, ये जो नीचे आ रही है साथ साथ यहाँ पे भी आपका जो है वो माल शाल बनता है, ऑर्डर ब्लॉक आपका यहाँ पे बनता है, उसके बाद प्राइस जो है वो कंटिन्यू करती है टुवर्ड द डाउन साइड। इनको हम बोलते हैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स। जब आप डाउन ट्रेंड में होते हो ना, ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के जा रहे हो, तो इसका मतलब होता है कि वो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स है। इस चीज को ध्यान में रखें, मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपके लिए जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। उसको बोलते हैं हम बेयर शैडो ब्लॉक। और बेयर शैडो ब्लॉक का एक और जो है वो तरीका है उसको आइडेंटिफाई करने का, एक और उसके साथ नीचे लिखता हूँ, वो ये है कि जब आप देखते हो कि रेड कैंडल है, उसके बाद ग्रीन कैंडल है, उसके बाद दोबारा से रेड कैंडल है, जब आप ये देखो ना सिक्वेंस में, तो आप समझ जाओ कि आपका जो है वो बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन एट द सेम टाइम जो कंडीशन है वो ये है कि पहली चीज इम्पल्सिव ड्रॉप होना चाहिए, दूसरा फॉर इंस्टेंस डिमांड जोन ब्रीच हो गया, ठीक है, और इम्पल्सिव ड्रॉप से मुराद ये है कि तेजी में जो प्राइस नीचे गिरता है, ऐसा नहीं है कि बस एक कोई 1% गिर गया, बस आपने समझा कि वो इम्पल्सिव ड्रॉप, तो तेजी से प्राइस नीचे गिरे, यानी ये कि कैंडल में वो अच्छा खासा नीचे गिरे और उसके बाद प्राइस कंटिन्यू करे बेशक थोड़ा सा साइडवेज और फिर नीचे गिर जाए दोबारा से, तो वो उस कंडीशन हमारे जो है वहां पे पूरे हो जाते हैं। अच्छा, दोबारा फिर हमारा डिमांड जोन जो है वो ब्रीच हो गया, सपोर्ट जोन वो ब्रीच हो गया। ब्रीच से मुराद क्या है, वंस अगेन ब्रीच से मतलब ब्रेक, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ताकि लोगों को समझ आए। ये हो गया इम्पल्सिव ड्रॉप या डिमांड जोन, वो ब्रीच हो गया, उसके बाद ब्रेक। ये होने के बाद जब ये होता है आपको पता है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स हमारे बन जाते हैं। ये तकरीबन जिधर भी जाओ किसी भी चार्ट को खोलो, 10,000 के 10,000 चार्ट के अंदर ये ही चीज है, यही कंडीशन है, और ये बड़ा इसका जो है एक सिंपल तरीका है जो जिस तरह कोई एक्सप्लेन नहीं करता वैसे ऑनेस्टली, उस हिसाब से आपको बड़ा अंदाजा हो जाता है बगैर किसी लाइनों के, बगैर किसी चीज के, साफ सुथरा नेकेड चार्ट को देख के अंदाजा होता है कि बेसिकली चार्ट के ऊपर क्या हो रहा है या किसी भी कॉइन में उसके प्राइस एक्शन में क्या हो रहा है वो आपको पता चल जाता है। अच्छा, स्पेशली इन रेलिवेंस विद ऑर्डर ब्लॉक्स एंड स्टफ लाइक दैट। अच्छा, अब उसके बाद आप देखते हो कि ये सब तो हो गया, इसको भी यहाँ ऊपर ले जाता हूँ। अब याद रहे कि प्राइस जब नीचे जा रहा है ना, तो कभी ऐसा नहीं होगा प्राइस जो है सीधा जीरो पे चले जाए, इसका पूरा एल्गोरिथम इस तरह बना ही नहीं है, वो कभी भी इस तरह नहीं करेगा। ज्यादातर जो ड्रॉप शॉप मार के एट वन पॉइंट इन टाइम उसको क्या मिलेगा कि यहाँ पे उसको जो है वो दोबारा से एक पीछे ऑर्डर ब्लॉक, बल्कि इसको अगर मैं एरो लगा दूं तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा कि कहने का मतलब क्या है, कि फर्ज करें इस जगह पे उसको सपोर्ट मिलता है, ठीक है, तो ये जो एरो लगाया ना पीछे, इसका मतलब क्या है कि पास्ट में पीछे अगर वो डेटा आप जाके देखो तो वहां पे आपके पास जो है बेसिकली इस जगह पे माल पड़ा हुआ, ठीक है, जिधर से प्राइस ऐसे कर करके ऊपर गई थी, यूं यहाँ पे आपका जो है वो माल पड़ा हुआ है, जिस माल की वजह से यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपका दोबारा से एक डिमांड जोन है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि यहाँ से प्राइस अब रिवर्स करके ऊपर जाएगा, और फिर यहाँ पे जो आपके बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ये जो जोन है जो हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ से आप देखते हो कि दोबारा रिजेक्शन आपकी होती है। अब डिपेंड करता है, कुछ लोग ये पूछते हैं कि यार क्या पता कि ये ऑर्डर ब्लॉक कितना स्ट्रांग है, नहीं है, क्या है, वगैरह वगैरह। उसका तरीका ये है कि जब आप देखो कि फॉर इंस्टेंस आपके पास यहाँ पे, मैं एक सेकंड के लिए इधर आ जाता हूँ, मिसाल के तौर पे ये जगह है, यहाँ पे हमारे पास, हमें पता है कि भाई
बल्कि ऐसा नहीं करते, इसको हम वो करते हैं, वो लगाते हैं इधर, किधर है वो, पाथ लाइन, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे जो है ये हमारा, ये एक हाई था, ठीक है, लोअर हाई, एंड देन हमने दोबारा से जो है वो ड्रॉप किया, ठीक है। ये जो ड्रॉप किया ना, ये समझ ले कि हम इस जगह पे हैं अभी, ये ठीक, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों समझ ले कि एक। अच्छा, अब अगर आप देखते हो कि प्राइस यहाँ से रिवर्स करता है ऊपर, लेकिन ये जो लो प्रीवियस आया ना हमारा, मैं इधर लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। प्रीवियस हाई ये वाला, ठीक, ये हमारा प्रीवियस हाई। अगर तो यहाँ से बाउंस करने के बाद, जो कि ऑर्डर ब्लॉक है नीचे, अगर इसके बाद बाउंस करे और फिर ये प्रीवियस हाई हमारा ब्रेक ना हो, सही है, तो फिर इसका क्या मतलब है, किसका मतलब है कि मोस्ट लाइकली आपका जो है ये लो ब्रेक हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप देखते हो क्या होता है, यहाँ से रिजेक्शन हुई, माल उठाया थोड़ा बहुत, रिजेक्शन हुई, डस डस कुछ करके, एंड देन इवेंचुअली उसने अपने जो है वो लो जो था पहले से जो यहाँ बनाया हुआ था उसको भी ब्रीच कर दिया, उसको भी ब्रेक कर दिया। इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि भाई क्योंकि प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया तो ये ऑर्डर ब्लॉक इतना स्ट्रांग नहीं। ऑटोमेटिकली क्या मतलब है भाई, आप बच्चों को देखा है कभी ट्रेम्पोलिन के ऊपर जंप मारते हो? अब अगर ट्रेम्पोलिन में कोई फड़ा हो या वो स्प्रिंग सही काम नहीं करे या जो भी हो, वो बच्चा जो है पहली दफा जब जंप मारेगा तो अच्छा जंप मारेगा, काफी ऊपर जाएगा। दूसरी बार जब वापस गिरेगा ट्रेम्पोलिन पे फिर थोड़ा सा कम ऊपर जाएगा, तीसरी बार वो खत्म ही हो जाएगा तकरीबन, या ज्यादातर चौथी दफा जो है तकरीबन खत्म ही हो जाएगा, वो बाउंस ही नहीं करेगा। फिर उसको दोबारा खुद छलांग मारनी पड़ेगी ट्रेम्पोलिन के ऊपर, थोड़ा सा स्पेस है या डिस्टेंस है, ताकि वो ट्रेम्पोलिन उसको ऊपर खींचे या ऊपर उसको पुश करे, समझ आ रही बात? तो लिहाजा उसमें समझ लो कि हवा खत्म हो गई भाई। इसी तरह यहाँ पे जब आप देखते हो कि यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, आपको फर्ज करे आपने उठा लिया, पीछे कहीं देखा है कि ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से बाउंस किया, अब आप देखते हो प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं किया, जब वो प्रीवियस हाई से रिजेक्ट हो जाता है ना, इसका मतलब ये है कि ये ऑर्डर ब्लॉक इतना स्ट्रांग नहीं है। अगर तो यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो इस चीज का, इसकी वजह बने कि आपका प्रीवियस हाई ब्रेक हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये बड़ा स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक था, और फिर ये जो ऊपर जा रहा है ना, इसके दौरान ये स्ट्रेट लाइन में तो ऊपर जाएगा नहीं, ये बीच बीच में ये इस तरह की हरकत कर, थोड़ा ऊपर थोड़े नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़े नीचे, इन दैट केस यहाँ पे फिर कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स आपके बन जाएंगे जो जिसको हम कहते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स। क्या मतलब हुआ, मिसाल के तौर पे इस जगह पे कहीं पे आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, इन दिस केस प्राइस नीचे आने के बाद यहीं से फिर माल उठा के अपना अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करती है टुवर्ड्स द अपसाइड, ठीक है जी, समझ रहे हैं बात? तो ये वो चीज थी कि जिससे आपको बहरहाल अंदाजा होता है कि आपका ऑर्डर ब्लॉक वो कितना स्ट्रांग है नहीं है, क्या सीन है, उस पर आप रिलाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो वगैरह वगैरह। अच्छा, अब आ जाओ वापिस इसके ऊपर कि भाई आपका डिमांड जोन था या सपोर्ट जोन था जो भी था, ये ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे इसी जगह पे ज्यादा ज्यादा थोड़ा सा ऊपर हल्का फुल्का नीचे इस जगह पे आपके पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स एंड एट द सेम टाइम इम्बेलेंसेस 8 या 9 out of 10 times वो बन ही जाते हैं, और उसके बाद प्राइस जो है वो कंटिन्यू करता है टुवर्ड्स द डाउन साइड, और जैसे जैसे नीचे आ रहे तो और भी ऑर्डर ब्लॉक साथ साथ बनते हैं। अब वही चीज है जो मैंने यहाँ पे आपको ग्रीन लाइनें लगा के बताई कि ये ऑर्डर ब्लॉक है जहां से बाउंस किया, क्योंकि हमने पीछे देखा पास डेटा में कि यहाँ पे हमारे पास माल पड़ा हुआ था, और उसके बाद उठाने के बाद क्या हुआ, हम गए अपने प्रीवियस हाई पे। प्रीवियस हाई अगर हम फर्स्ट को ब्रेक नहीं करते तो उसका मतलब है कि मोस्ट लाइकली आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्राइस एक नया लोअर लो बनाएगी जो कि इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रीच करके नीचे चले जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखो कि ये फर्ज करो ब्रेक कर देता है इसको, ठीक है, तो आपके पास अगला वही जोन है जिस जगह को हम एक बोलते हैं करेक्टिव जोन या करेक्टिव फेज, जो कि आपका प्रीवियस डिमांड जोन था या प्रीवियस आपका सपोर्ट जोन था, फिर आपकी प्राइस आ जाती है उधर। उधर आने के बाद मोस्ट लाइकली आप यहाँ से रिजेक्ट करते हो एंड देन आपका वापस नीचे जाते हो ऑल द वे डाउन। इस हिसाब से आपका मार्केट स्ट्रक्चर ओवरऑल चलता है, ठीक है, और पूरा उसको एल्गोरिथमिकली जो है वो डिजाइन ऐसा हुआ है कि वो चलता है हमेशा इसी तरह, कभी भी आप जाओ चार्ट पे आप देखो तो इसी हिसाब से चलता है, इसका उल्टा शुल्टा कभी है नहीं, इसके दो तरीके हैं नहीं, एक ही तरीका है, एक ही स्टाइल है, एक ही तरीके, एक ही सिस्टम से जो है ये चलता है, तो इसको स्पॉट करना आपके लिए जो है वो बड़ा आसान हो जाना चाहिए। अच्छा, भाई मैं तो आराम से मैं बोल ही नहीं सकता हूँ भाई, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बीमारी है, मैं आराम से नहीं बोल सकता। आप लोगों को जब ये वो मिलेगा रिकॉर्डिंग इसकी मिलेगी तो उधर आपको जो है वो थोड़ा आसानी से समझ आ जाएगा, मगर अब मसला ये है कि आप में से वो लोग भी आ जाते हैं कि जो बिगिनर्स वाले सेशन जिनको लेने चाहिए वो भी उठ के आ जाते हैं, तो जाहिर है कि आपके लिए फिर मसला होगा। पहले आप वो सारी वीडियोस, ट्रेनिंग वीडियोस जो है वो बाद में देखो, पहले सेशन रिकॉर्डिंग्स की वीडियोस देखो, उसके बाद ट्रेनिंग वीडियोस देखो, फिर उसके बाद इन सेशन में आओ जो मैं करता हूँ, तो फिर आपको ज्यादा मसला नहीं होगा ये सब समझने में, क्योंकि ये तो हमने पूरा महीना लगा दिया इसके ऊपर,
और उसके अलावा अगर फिर भी समझ नहीं आता, इसका मतलब यह है कि शायद आप कोई बिगनर वाले हो जो गलती से उठ के इधर आ गए। ठीक है, बहरहाल ये भाई आपका था ऑर्डर ब्लॉक वगैरह वगैरह कर गया सारा कुछ, उसके बाद नीचे सो ऑन सो ऑन। अब आ जाओ भाई, हम इधर मैं आपको प्रैक्टिकली उस पर दिखा दूँ। ठीक है, ये चार्ट है भाई आपका एच एन टी का। ये एच एन टी का प्रीवियस जो है वो डिमांड जोन, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ऐसे ताकि सबको समझ आ जाए, दिख जाए यूं। ये भाई हमारा जो है वो क्या नाम है इसका, किधर गया यार ये, किधर अच्छा, ये हमारा प्रीवियस डिमांड जोन था ये वाला। ठीक है जी, यहाँ से हुआ क्या, इंपल्सिव ड्रॉप, यानी हमने इसको ब्रीच किया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद आप देखो हमने कंटिन्यू किया टुवर्ड्स डाउन साइड, यहाँ पे हमारे पास पीछे जो है इसका ऑर्डर ब्लॉक था, देख रहे हैं ये वाला एरिया, सबको दिख रहा है चैट पे बताओ। राइट, तो यहाँ से जो प्राइस बाउंस हुआ है ना, वो इसलिए बाउंस नहीं हुआ है कि बस वहां भाई बस चलो बाउंस हो जाता है, वो इसलिए बाउंस हुआ कि ये पूरा जोन, एक तो इसको बोलते हैं हमारा फ्लैग जोन, जिधर आपके पास एक दो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। फ्लैग जोन के मुख्तलिफ मतलब होते हैं, मुख्तलिफ हिसाब किताब से होता है वो, हम उसके ऊपर आएंगे बहरहाल बारी बारी। पहले तो एक चीज है कि इसके अंदर जो आप जिधर क्लस्टर देखते हो ना ऑर्डर ब्लॉक्स का, उस पूरे जोन को बोलते हैं फ्लैग जोन, फ्लैग जोन के अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है जी, बारह, अब हमने देखा यहाँ से बाउंस किया, बाउंस क्यों किया, हमें पता है कि यहाँ पे पीछे हमारे पास माल पड़ा हुआ है भाई, ऑटोमेटिकली एक डिमांड जोन बन गया आपका। राइट, अब यहाँ से बाउंस करते ऊपर आपने आपने क्या देखना है, प्रीवियस हाई ब्रेक करे, क्या प्रीवियस हाई ब्रेक किया, नो, करेक्टिव फेस था आपका, ऊपर गया ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आपका उठाया जो कि होगा, लेकिन आप अगर उसको वो करो ना मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे देखो तो इन दैट केस आपको क्लियर पिक्चर दिख जाएगा मैं 4 घंटे। मगर मेन जो मकसद है वो ये है कि जो मैंने पीछे अभी आपको दिखाया जो बैकग्राउंड था ये वो है कि यहाँ पे आपका प्रीवियस डिमांड जोन है, ब्रेक हो गया, चलो ब्रेक होने के बाद यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक था, ऊपर आया, इसको रीटेस्ट किया जिसको बोलते हैं बेरिश रीटेस्ट। मैं यहाँ पे साथ में लिख देता हूँ कि इसको जो है वो किधर गया, वो ये जिसको नहीं पता बेरिश रीटेस्ट क्या होता है भाई, बेरिश रीटेस्ट इसको बोलते हैं कि जब आपका कोई सपोर्ट शपोर्ट ब्रेक हो जाता है ना और उसके बाद प्राइस नीचे गिरती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे प्राइस नीचे गिर गई, फिर जब प्राइस वापस ऊपर आता है उसी जगह पे जहां से वो गिर के नीचे आया ना, यानी आपका जो सपोर्ट था अभी आपका रेजिस्टेंस बन गया, बेरिश रिटेस्ट उस टाइम पे हो, इसको कहा जाता है कि भाई जब ये ऊपर आया आपका प्रीवियस सपोर्ट जोन या डिमांड जोन को उसने टेस्ट किया लेकिन वहां पे रिजेक्ट हो गया, उसको फ्लिप नहीं कर सका। फ्लिप का क्या मतलब होता है कि उसको दोबारा से जो है वो उसके ऊपर नहीं जा सका, उसके ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पाया और फिर रिजेक्ट होने के बाद वापस गिर गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेरिश रिटेस्ट। क्या मतलब हुआ, नीचे गिरा सपोर्ट से, सपोर्ट ब्रेक हो गया, वापस गया पिछला वही जो सपोर्ट ब्रेक किया था उसी को रीटेस्ट किया और उसके बाद वापस नीचे गिर गया, इसको बोलते हैं बेरिश रीटेस्ट। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। अच्छा, तो लिहाजा हमने देखा यहाँ पे कि आपका इंपल्सिव ड्रॉप भी हुआ, उसके बाद हमने देखा है कि प्राइस नीचे गिरी, पीछे आपका ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से वापस ऊपर गया उसी जगह पे जहां से ब्रेक किया है उसको रीटेस्ट किया जिसको हम बोलते हैं कि भाई रिजेक्शन एट लोअर हाई, या फिर आप बोलते हो कि बेरिश रीटेस्ट, और उसके बाद डज वापस नीचे। ये तरीका है जिसके ऊपर आप ट्रेड भी कर सकते हो, उसको समझ जाएं, ये बेसिकली जो है वो ट्रेड सिग्नल के तौर पे या ट्रेड सेटअप के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, और उसके साथ साथ जो है वो आप इसको ओवरऑल पूरा प्राइस स्ट्रक्चर जो है वो भी समझ जाते हो ताकि आप मार्केट की डायरेक्शन को समझ सको। जब आप इस चीज को देखते हो ना ये पूरा सेटअप, इससे आप मार्केट की डायरेक्शन को पहले से पता कर लेते हो। कैसे, कि फॉर इंस्टेंस ये किधर है इसका वो एक्सटेंशन, हटाओ इधर से यार, किधर है किधर है किधर है, मिसाल के तौर पे आपके पास जो है, या तो ऐसे करता हूँ इसको हाइड कर दी, ठीक है, सिर्फ यहां तक दिख रहा है ना आपको, ये सिर्फ इतना दिख रहा है। जब आप ये मार्केट स्ट्रक्चर यूं देखते हो ना, आपको पता है प्रीवियस डिमांड जोन था, यहाँ से ब्रेक हो गया, आ गया नीचे, पीछे आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, आपको पता है यहाँ से बाउंस करेगा, बाउंस करने के बाद आपको पता है कि भाई ये इसका जो पूरा जो सेटअप है ना अभी तक मार्केट स्ट्रक्चर का पूरा जो स्ट्रक्चर है कि जिसके हिसाब से या तो वो नीचे जाएगा जिसको हम फिर कहेंगे डाउन ट्रेंड, या फिर डाउनवर्ड स्ट्रक्चर, या फिर आपका जो है वो वीकनेस इन ट्रेंड या शिफ्ट इन ट्रेंड, मुख्तलिफ नाम है, एक ही चीज नाम मुख्तलिफ है उसके, या तो फिर आप उसको जो है वो पहले समझ जाओगे। अगर आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं समझ आता मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह ये सारी चीजें पूरा एल्गोरिथमिकली किस तरह वो चलता है, तो इन दैट केस आप बड़े कंफ्यूज रहोगे कि यार मैं करूँ क्या इसका,
वो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगी उस हिसाब से आप तुक्के मारना शुरू हो जाओगे कि यार चलो शॉर्ट करते हैं, चलो लॉन्ग करते हैं, फलाना फलाना। जबकि अकल इसमें कि जब आप पूरा स्ट्रक्चर समझते हो ना, आपको पता है प्राइस दोबारा यहाँ पे आएगी, प्राइस दोबारा जरूर यहाँ पे आएगी। यहाँ पे आने के बाद आप फिर उसको शॉर्ट करते हो, क्योंकि अब आपके लिए कंफर्म हो गया है कि भाई यहाँ पे रिजेक्शन होने के बाद इसका मतलब ये है कि अभी आपका डाउनवर्ड्स मोमेंटम जो है, डाउन ट्रेंड आपका जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक सबको समझ आए? ओके गुड। अच्छा अब आ जाओ इस पे कि भाई ये करेक्शन टू कंफर्म, डाउन ट्रेंड हो गया हमारे पास, रिजेक्शन लो हाई हो गया, बेरिश रिटेस्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद आप आ जाओ इधर, यहाँ पे क्या हुआ, कौन सी जगह है? एरो लगाता हूँ, ये इधर क्या हुआ? ये भी एक ऐसी चीज है कि जो ऑलरेडी, जब प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट हो जाए ना, तो आपको पता है कि ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जब प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है उसी वक्त से आपको पता चल जाएगा कि ये लो भी ब्रेक हो जाएगा। इसके चांसेस अमूमन होते हैं आपके 7 out of 10 times, यानी 10 में से 7 मरतबा हमेशा तकरीबन यही होता है डाउन ट्रेंड्स में, जब आपको पता चल जाता है कि भाई आपका बेरिश रिटेस्ट हो गया, फेल हो गया, और उसके बाद आपको पता है कि जो हमारा प्रीवियस लो है वो ब्रेक हो जाएगा। अच्छा प्रीवियस लो कौन सा है हमारा भाई? प्रीवियस लो हमारा ये। ठीक है, मैं इसको जो है वो, बल्कि इसके ऊपर नहीं लिखता हूँ, वो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ लिखता हूँ। ठीक है जी, क्या लिखा है यहाँ पे कि भाई ये आपका प्रीवियस लो था जिधर से प्राइस वापस बाउंस करके ऊपर गया, और एट द सेम टाइम आपको पता है कि पीछे जो है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था जो हमने देख लिया, जिसकी वजह से वहां से बाउंस किया, और एट द सेम टाइम क्या मतलब हो कि माल उठा के गया, यानी ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली माल ही हो, तो माल उठा के वहां पे ऊपर गया। अब यहाँ पे रिजेक्ट हुआ ऊपर, अब क्योंकि यहाँ पे रिजेक्ट हुआ आपको पता है कि प्रीवियस लो जो है वो खतरे में, ये मोस्ट लाइकली ब्रेक हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने कोई साल 1.5 साल पहले भी वीडियो बनाई है, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा था, फेसबुक पेज पे पड़ा हुआ है, ग्रुप में पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे भी मेरे ख्याल से मैंने डाला था उसको, तो ये वही, बिल्कुल वही चीज है। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि वो रिटेल कंसेप्ट में डाला था, ये जो है रिटेल कंसेप्ट में नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है ऑर्डर ब्लॉक्स है, इसके अंदर माल शाल है, इसके अंदर इम्बेलेंसेस है, इसके अंदर आपका जो है वो ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर को रीड करना पहले से बिफोर हैंड, ये सारी चीजें वहां पे ये सब नहीं था, वहां पे प्योर जो है वो प्राइस एक्शन के ऊपर एनालिसिस थी। अच्छा टेक्स्ट करते हैं, इससे स्क्रीन डिस्टर्ब होता है, वो टेक्स्ट तो 1-2-4 सेकंड के लिए होता है, उसके बाद तो सही हो जाता होगा। अच्छा नेक्स्ट टाइम जब आप ये देखो ना कि भाई स्टेप 1 सपोर्ट या डिमांड जोन ब्रेक हो गया, स्टेप 2 पीछे ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ से बाउंस किया, आपको पता है ऑटोमेटिकली प्राइस ने बेशक 1 ही दिन में, 2 दिन में, 2.5 दिन में, 4 दिन में, उसने जरूर वापस वहीं पे आना है जिस जगह से सपोर्ट या डिमांड जोन ब्रेक किया, वो वापस उधर आएगा, उसका बाप भी आएगा। जब आपको ये पता है कि वो आएगा वापस, यहाँ पे आप जो है अपना सारे हथियार लेके यहाँ पे बैठो और तैयार रहो, बजाय जैसे मैंने 15 सेकंड का अभी रिसेंटली वो डाला था एक वीडियो, तो वो यही सीन है ना बिल्कुल। अब वो देखने में लोगों को ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या जादू किया है, कौन सा पता नहीं क्या चेला काटा है उसके ऊपर, जबकि ऐसा नहीं, बड़ा सिंपल है। आपको पता है कि प्राइस वहां पे आएगी, प्राइस वहां पे आने के बाद उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपको मार्केट स्ट्रक्चर रीड करना आता है, इस हिसाब से आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि आप उसको जो है वहां से शॉर्ट करो। ये हो गया इन केस ऑफ डाउन ट्रेंड। ठीक है, यही चीज उल्टा कर लेंगे बाद में कि हम बुलिश ट्रेंड जो है वो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो खुलासा फिलहाल जो है वो आप इसको समझ गए हो अभी कि बेसिकली हमारा जो है वो कैसे गया। एक आखिरी बार इसको वो करते हैं कि मैं यहाँ से वो लेता हूँ, लेट से यहाँ से शुरू किया हमने, ये आपका पूरा ब्रेक हो गया डाउन ट्रेंड, यानी डाउन ट्रेंड तो नहीं, हमारा डिमांड जोन जो है ब्रेक हो गया, नीचे आ गया, वापिस ऊपर गए, और उसके बाद डज नीचे, इस हिसाब से आपका पूरा स्ट्रक्चर चला है, 1 2 3, सिंपल एज दैट। ठीक है जी, अच्छा अब आ जाओ इस पे स्ट्रेट अवे कि भाई आपका जो ऑर्डर ब्लॉक शॉर्टर ब्लॉक वाला सिस्टम है ना पूरा, वो क्या है? सबसे पहली चीज आप आ जाओ भाई डेली पे। ठीक है, डेली पे आने के बाद इस कॉइन का तो पूरा बेड़ा गरक है, कोई इंसानों वाला कॉइन ले, ये तो 50 दिन से नीचे आ रहे खाली, कोई हम अल्पा शार्पा देखें इसके ऊपर क्या हुआ है। ये कब लिखा है? मालूम रिजर्वेशन,
अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो, ये जो है अर्पा जब ऊपर आया इधर, इसने एक विक मारा है इस लेवल पे 12977 तकरीबन 13 सेंट। तो ये बेसिकली विक मारने के बाद ये सीधा यहाँ से रिवर्स क्यों किया इसने नीचे टुवर्ड्स डाउन साइड, वो इसलिए क्यों किया है कि अगर आप पीछे जाओ और आप उसी जगह को देखो यहाँ पे, तो आपके पास बेसिकली यहाँ पे इम्बेलेंस मिलता है आपको। मैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, इस पे हम रिप्ले लगा के काटते हैं इसको। किधर गया इसको हम यहाँ से, किधर है यार, यहाँ पे हम इसको काटते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो। उसके बाद हम जाएंगे 4 घंटे पे, बल्कि 4 के उसी 12 घंटे पे देखते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेसिकली जाओ ना, तो यहाँ पे आपको दिखता है यानी इस एरिया से लेके ऑल द वे हियर, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे इम्बैलेंस है, ठीक। इसको कवर करने के लिए प्राइस जो है वो आती है ऊपर, जो कि फिर हमने देखा है कि काफी टाइम बाद प्राइस दोबारा से वहां पे एग्जैक्टली उसी लेवल पे गया, वो पूरा एक तो माल भी उठाया साथ में, आपने जो है पूरा इम्बेलेंस भी कवर किया, एंड देन वहां से स्ट्रेट वे आपने वापस ड्रॉप किया। तो अगर इसको हम देखें कि यहाँ से यहाँ जो गिरा है ये 37%, देखने में जो है शायद लगे कॉम्प्लिकेटेड कुछ लोगों को, लेकिन बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि दो चीजें हैं जिसके ऊपर आपकी मार्केट ज्यादातर चलती है, और वो गारंटीड है कि मार्केट उसको हमेशा उस उन लेवल्स पे जाएगी या फिर वो इम्बेलेंसेस को जो है वो फिल करेगी। पहली चीज होती है आपका माल, सारी की सारी मार्केट चलती है लिक्विडिटी के ऊपर है। माल होगा तो मार्केट चलेगी, माल नहीं होगा तो मार्केट नहीं चलेगी। ये चीज आपने अपने जहन में बिठा लिया एक, जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। दूसरी चीज इम्बेलेंसेस, ट्रांजेक्शन डिफरेंस बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स, ठीक है। जब आपको ये पता चल जाए कि इम्बेलेंस क्या है, कहाँ कहाँ बन गया, क्या सीन है, उस हिसाब से आपके लिए और आसान हो जाता है कि भाई अभी हमने जो है वो एक और भी बनाया हुआ है, हालांकि ये तो डेली कैंडल अभी चल रहा है ना, या 12 घंटे वाला चल रहा है। तो हमने देखा जाए तो हमने यहाँ से लेके ऑल द वे यहाँ तक एक और हमारे पास यहाँ पे बन गया, इसको आप ऐसा जोन बना लो, खत्म स्टोरी। अब उसके बाद आप इंतजार करो थोड़ा टाइम, आप देखो कि ये फिल कप करता है बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ तक। एंड एट द सेम टाइम अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाएं, वैसे शोगल के लिए एक बार चले जाते हैं, 1 घंटे पे तो नहीं है, 15 मिनट पे हम देखते हैं। यहाँ पे 15 मिनट पे भी हमारे पास जो है उन्हीं से एक ये है हमारा उसी इम्बेलेंस एरिया में, हमारे पास एक यहाँ पे, लेकिन इस जगह को मैंने देखना है कि शायद यहाँ पे भी हो। 5 मिनट पे जाते हैं, ये देख ले डज बिल्कुल एग्जैक्टली उसी जगह पे। अब देखो 15 मिनट पे आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, खाली लाल लाल कैंडल्स दिख रहे हैं, आपको नहीं पता कल को प्राइस यहाँ पे जब आएगी ना डेफिनेटली वापस रिजेक्ट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ऐसे करो इसको नीचे ले जाओ 5 मिनट पे, चलो 5 मिनट भी जाने के बाद भी ये पूरा क्लस्टर है ना इसका, ये पूरे क्लस्टर को जो आप यहाँ से उठाओ या तो वॉल्यूम खोल दें। मैं भी आपको समझाता हूँ जरा, मैं अपना कर लूँ यहाँ पे, तो फिर मैं समझाता हूँ कि किया क्या। अच्छा इस वाली पे हमारा वॉल्यूम ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे, हम इस पूरे को जो है वो कवर करेंगे। ज्यादा ज्यादा हम क्या करेंगे कि 3 मिनट पे भी चले जाते हैं एक बार, वही सेम टू सेम वही सीन है, 1 मिनट पे चले जाते हैं ताकि हमें जो है वो जितना हम उसको नैरो डाउन कर सकें उतना ही हम उसको करें, ठीक है, सब ज्यादा इसी पे हो। अच्छा आ जाओ भाई इधर, ये देखें डेली से मैंने शुरू किया, 1 मिनट पे गया हूं मैं, और फिर मैंने अपना पूरा एक लेवल जो है वो बनाया उसको पूरा रिफाइन करके, ठीक। अब वापस में आ जाए, बल डेली था कि 12 घंटे था, पता नहीं 12 घंटे था शायद, ठीक है। अच्छा अब जो लेवल यहाँ पे मैंने बनाया ना, नेक्स्ट टाइम जो प्राइस यहाँ पे आएगी आप देखो डेफिनेटली 99% चांसेस है यहीं से ड्रॉप करेगा वापस, ठीक है। एट द सेम टाइम आपका इम्बेलेंस भी पूरा हो जाएगा। अच्छा इम्बेलेंस कैसे था कि भैया आपका जो है वो पूरा इस वीक से लेके डाउन टू दिस वीक, इस पूरे जोन में आपके पास जो है वो इम्बेलेंस, ये तो फिल करना है ना, इसके बाद में भी फिल करना है इसको, बगैर फिल किए तो मार्केट ज्यादातर नीचे नहीं जा सकती या ज्यादा देर तक, 1 दिन हो 2 दिन हो 4 10 दिन हो, बस उसके बाद वापस उसको आना पड़ेगा। तो लिहाजा ये करने के बाद फिर दोबारा अगर कंटिन्यू करना है टुवर्ड्स द डाउन साइड तो वाह, अदरवाइज यहाँ पे आगे फिल करेगा, थोड़ा सा यहाँ पे हमने ड्रॉप शॉप करना है और उसके बाद अगेन आप कंटिन्यू करते हो टुवर्ड्स द डाउन साइड या टुवर्ड्स द अप साइड, वो एक और सीन। मगर रिएक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा और आपके शॉर्ट के लिए जो ट्रेड है ना वो आपको यहाँ पे मिल गया इधर स्ट्रेट अवे, जो मैंने यहाँ पे बना दिया। देखने को तो एक कैंडल है, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, हमने उसको जाके पूरे 1 मिनट पे चले गए और उसको इतना छोटा सा रिफाइन कर दिया हमने, ठीक है जी। फहाद हुसैन देखे, अगर वो इम्बेलेंस और ऑर्डर ब्लॉक्स में टाइम लगता है ना, तो पता है क्या है कि वो फिर है भी तो फिर वो प्रोफेशनल अप्रोच। अगर आप सुबह शाम अंधाधुन फायरिंग करो और डस डूज आप लगे रहो, जैसे आप में से बहुत सारे जो है वाज तक अपनी तरफ से जो तजुर्बे करते रहे हो, और ये 5,000 सिग्नल हो, 5,000 ग्रुपों में बैठते हो आप, तो आप लोगों का क्या बनाए भाई, अगर आपका पैसा बना होता तो आप इधर नहीं होते,
अगर आप लोगों को ये सब चीजें सही से आती हो, पूरा उसको फोमो करने पर कंट्रोल होता, उसका पूरा कंसेप्ट समझ आता, आपको पूरा मार्केट स्ट्रक्चर सही तरीके से समझ आता, आपको ट्रेड करना, सेटअप्स ढूंढना, सिग्नल्स, ये वो हर चीज की समझ होती, तो आप लोग तो पैसे बना रहे होते। फर्क ये है कि आपने अपना रास्ता जो है वो अलग करना है दूसरों से। आपको बेशक थोड़ा सा टाइम लगे, बेशक थोड़ा सा पेशेंस आपको चाहिए, वो जबरदस्त है, बजाय इसके कि आप जाके अपना अंधाधुन फायरिंग करो और पता चले 10 में से 8 में लॉस करो और 2 में प्रॉफिट करो, तो वो क्या फायदा? वो तो फिर ट्रेडर थोड़ी हो, तो फिर बंदा टट्टू बन जाता। तो थोड़ा सा इसमें अगर पेशेंस आपको चाहिए, कोई मसला नहीं, लेकिन उसको थोड़ा सा आप स्पीड अप भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज जो है वो डेली पे ही करो। आप जा सकते हो नीचे 15 मिनट पे, लेकिन ढूंढो पर उसको डेली पे, फिर जाओ 15 मिनट पे, तो आपको जल्दी जल्दी मिल जाएंगे। दिन के चार चार छह छह आठ आठ सिग्नल आपको मिल जाएंगे, ये भी कर सकते हो। अदरवाइज आपको बड़ी बड़ी ट्रेड्स चाहिए, स्विंग ट्रेड्स चाहिए, ज्यादा पैसे कमाने हैं, आपने जाके उधर 2% 1% स्टॉप लॉस लगाओ और 20-20% ठीक भी लगाओ, ये करना है तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाओ। कि एक ही दफा में आप ऐसा जैकपॉट मारो, आपको जरूरत नहीं है, हफ्ते में एक दो ट्रेड करो, उसी में आप इतना ट्रेड कर लेते हो कि ये बड़े बड़े टट्टू लोग जो बैठे हुए, ये 3-3 महीने में इतना नहीं कमाते होंगे, 6 महीने में नहीं कमाते होंगे जो आप लोग 1 हफ्ते में कमा लोगे। मगर यही चीज है कि बेबी स्टेप्स भाई, स्टेप बाय स्टेप आप ये सारी चीज समझते हो, पूरा उसका मैकेनिज्म समझो, और उसके बाद थोड़ा सा पेशेंस चाहिए बस। शुरुआत में एक दफा आपका हाथ मजबूत हो गया ना उसके ऊपर, अगर बैठ गया, बस उसके बाद आप ऐश करो, खत्म स्टोरी। अच्छा, उसके अलावा जो है वो हमारे पास एक और चीज थी, वो किधर, किधर था वो, अभी जो मैंने वो सारा लिखा था। अच्छा बंद करें इसको। अच्छा, एक तो HNT का मैंने दिखाया था ना आपको, एक HNT दिखाया था, और उसके बाद दोबारा से अब ये आपका कौन सा, ये सेलर है। सेलर के ऊपर भी आपका क्या हुआ है कि भाई, एक तो आपका ऑर्डर ब्लॉक इधर पड़ा हुआ है, जिधर हमने कहा था ना कि जैसे आपका डिमांड जोन या सपोर्ट जोन ब्रेक होता है ना, वहीं पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक्स भी है, वहीं पे आपके अमूमन इंबैलेंसेस भी बन जाते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, स्टेप वन, जब आपने ट्रेड करना हो ना तो इस तरह फॉलो करो उसको। स्टेप वन भाई, आप इंतजार करो कि आपको जो है वो डिमांड जोन अगर वहां पे टेस्ट हो रहा है ना, तो ब्रेक होता नहीं होता। अगर ब्रेक हो जाता है, दैट्स इट, गुड, इंतजार करो। इंतजार करते हो आगे नीचे, आपको पता है कि दोबारा से ऊपर आएगा। कहने को तो अगर ऑर्डर ब्लॉक पे आप ट्रेड करो तो यहाँ पे ये आपके पास परफेक्ट एंट्री बनती है, कि जिसके बाद ये कितना नीचे गया, वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5% नीचे गया, ठीक है जी, 4.82। मगर हमने उसका भी इंतजार करना है कि भाई ये आ जाए ऊपर, पूरा इसको जो है वो प्रॉपरली ट्रेड जो है वो रिटेस्ट करे, रिटेस्ट के ऊपर जब रिजेक्शन हो तो उसके बाद उठाओ आप उसको, ठीक है, ये काम आप कर सकते हो। अदरवाइज स्कल्प करना है ऑन द लो टाइम फ्रेम्स, रिफाइन करके आप उसके ऊपर जो है वो स्ट्रेट अवे ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर आप ट्रेड करो। पता है आपको कि भाई यहाँ पे आपका सेल प्रेशर जो है वो ज्यादा है निस्बतन बाई प्रेशर के, क्यों? क्योंकि भाई आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा हमने देखा यहाँ पे आया, यहाँ पे आपका जो है वो गारंटी बेहतर ट्रेड है, जिसके बाद वो फिर जाता है स्ट्रेट अवे नीचे, ठीक है जी। तो मतलब जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, स्टेप 1 2 3, ये वही है सारा। HNT भी वही था, इधर भी वही है। इसी तरह अगर मेरे ख्याल से TRB देखो, TRB के ऊपर भी वही है, जिधर मैंने इसको ब्रेक डाउन किया। आपके लिए भी मैं समझाता हूँ ताकि आपको जो है और डिटेल से पता चल जाए। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। यू, पहली चीज, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है आपके पास यहाँ पे। दूसरी चीज, स्टेप 1 ब्रेक ऑफ डिमांड जोन, ये डिमांड जोन था आपका भाई। मैं इसको थोड़ा ऐसे करता हूँ कि ये वो कर लेते हैं, ठीक है, ये ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद हमने देखा है नीचे कि आपके पास यहाँ पे इम्बेलेंस भी बन गया। फिर उसके बाद हमने इंतजार किया, देखा है कि भाई प्राइस करते 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 जो है इधर ऊपर ऊपर आई, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं जरा स्ट्रक्चर का समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसके बीच में जो ऑर्डर ब्लॉक्स ट्रेडिंग है उसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप स्ट्रक्चर को समझें, ठीक है जी। उसके बाद ऊपर गए हम यहाँ पे हमारा डिमांड जोन था, रिटेस्ट किया जो कि अभी रेजिस्टेंस बन गया, इन अदर वर्ड्स। और उसके बाद क्या हुआ, एट द सेम टाइम हमारे पास ऑर्डर बॉक्स भी थे, माल पड़ा था, उठाया और एकदम से रिएक्शन आया उसका, डल सीधा नीचे, ठीक है जी। तो लिहाजा ये है स्ट्रक्चर को रीड करना। आप अगर इसके ऊपर आप ट्रेड करते हो तो यूं भी ट्रेड कर सकते हो, और जो ऑर्डर बॉक्स के ऊपर ट्रेडिंग आपने सीखी है वो तो आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। और साथ में ये आपके इम्बेलेंस, राइट,
और उसके बाद सेलर हो गया, और टीआरबी ये तो वही है। फिर उसके बाद आप आ जाओ एक बार इधर वापस, एक तो पाकिस्तानी लोग जो है वो खत्म है भाई। एक बार आप सवाल बंद पूछना बंद करो सर, आप पहले इधर फोकस करो, फिर मैं आता हूँ उसके ऊपर। अच्छा एक चीज थी जो मैं बीच में बताना भूल गया, जो मैंने आप लोगों को अपट्रेंड के सिखाया दिखाया, और उसके साथ साथ जो है ये दिखाया कि वीकनेस क्या है उसकी। एक और चीज, किधर है वो, इधर लिख देता हूँ उसको, ये सारा मिटा दें एक बार, क्या करें। अच्छा बहरहाल इसको ऐसे करते हैं, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए कि भाई, या दोबारा करते हैं ठीक है। अप ट्रेंड वर्सेस ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि आप जो है सही से आइडेंटिफाई कर सको कि भाई आपका जो है वो क्या नाम है, अप ट्रेंड कैसा है, क्यों है, क्या सिस्टम है, कैसे आपने समझना है उसको, और ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। अब ये चीज जो है वो रीटेल कंसेप्ट के अंदर बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट, लेकिन ये समझ जाओगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा पहली चीज, दोबारा से ऐसा करते हैं कि अप ट्रेंड बनाते हैं। अभी अप ट्रेंड के लिए हम जाते हैं इधर यू, या आपने एक हाई बनाया, उसके बाद आपने लोअर हाई बनाया, उसके बाद हायर हाई बनाया, उसके बाद आपने दोबारा जो है वो हायर लो बनाया, ये करते करते इस तरह आप जो है वो ऊपर जाते हो, इसको कहते हैं अप ट्रेंड ठीक है। ऐसे कर लेते हैं बल्कि, कि इसको काट के यू, और उसके बाद यहाँ डालते हैं, ये हो गया भाई आपका अप ट्रेंड। एक और होता है जो अक्सर औकात आपने देखा होगा, मगर उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे शायद आप, क्योंकि अमूमन सारे ये समझते हैं कि वो भी अप ट्रेंड है। वो इस तरह होता है, ये भाई आपका लो था, यहाँ से ऊपर गई मार्केट, ये हाई बनाया, नीचे आया, हायर लो बनाया, ऊपर गया, हायर हाई बनाया, वापस नीचे आया, हायर लो बनाया, फिर गया वो हायर हाई बनाया, फिर आया वापस जो है वो इस एरिया में कहीं पे, आपका एक हायर लो बनाया, और इसी तरह जो है वो चल रहा है। ये अप ट्रेंड नहीं है, दिखना देखने में तो दोनों एक ही चीज दिखते हैं ना, लेकिन अगर थोड़ा सा डिटेल में फोकस करो आप लोग तो जमीन आसमान का फर्क है ठीक है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ये अप ट्रेंड है और ये कचरा है ठीक है, ये अप ट्रेंड है और ये कचरा है। क्यों, मैं अभी बताता हूँ। पहले तो बल्कि मुझे चैट पे खुद ही बताओ कुछ लोग के भाई, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, वैसे तो खैर आप लोग अगर देखा भी हो तो बताओगे कि इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाली थी अभी रिसेंटली, कुछ 6-8 महीने पहले, कोई मुझे बताए जरा कि भाई यार एक अप ट्रेंड है तो क्यों है, और जो दूसरा जो है वो अप ट्रेंड नहीं है तो वो क्यों नहीं। ओके सही है, थोड़ा बहुत तो कुछ लोगों ने थोड़ा हल्का फुल्का सही गैस किया है, मिलता जुलता ठीक है ठीक है। मैं बताता हूँ, आप लोग चैट से दूर हो जाओ, चैट से दूर हो जाओ बस। अच्छा बस बस चैट से दूर हो जाओ ठीक है। पहला जो अप ट्रेंड है वो इसलिए है क्योंकि एक तो ये कचरा बहुत ज्यादा हो गया, इसको थोड़ा चलो साइड पे करते हैं इसको। पहला हमारा अप ट्रेंड इसलिए है क्योंकि यहाँ से देखें, अगर ये आपका लो था ना ठीक है, यहाँ पे ऐसे करते हैं कि इसको छोटा छोटा वो बना लेते हैं यू, और उसके ऊपर हम लिखते हैं भाई लो ठीक है। फिर उसके बाद हम एक और बनाते हैं इस जगह पे, इसके ऊपर हम लिखते हैं भाई हाई ठीक है, कि उसने एक हाई बनाया अपना। उसके बाद हम अपना क्या कहते हैं उसको, बल्कि ये सही है। अच्छा उसके बाद आ जाओ इधर, इसको भाई हम कहते हैं कि हायर लो, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे बनाते हैं एक और इसको ऐसे करते हैं और टफ, और उसके बाद हायर हाय ठीक है, और उसके बाद ये आखिरी ये वाला करते हैं और फिर खत्म। अच्छा अब इधर मसला क्या है, इधर मसला ये है कि भाई आपका जो है सबर यू,
एक लो बनाया, ऊपर गया मार्केट, हाई बनाया, उसके बाद नीचे गया, हाई लो बनाया, हाई लो बनाने के बाद फिर ऊपर गया, हायर हाई बनाया, फिर नीचे आया, हाई लो बनाया। अब मसला क्या है इसका कि भाई ये जो है ना ओवरलैप कर रहे एक दूसरे के साथ ज्यादा। ओ नहीं यार ये तो वो नहीं है, मैं समझो वो दूसरे पे बना रहा हूँ, ये तो ठीक है। अच्छा ये इसलिए अप ट्रेंड है आपका, ये सही वाला अप ट्रेंड है, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आप देखते हो कि प्राइस स्ट्रक्चर जो है ना ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है अप ट्रेंड का, वो एक दूसरे के अंदर ऐसे मांझा जो गुंजल होता है ना जब गुड़िया उड़ाते हैं, वो गुंजल नहीं हुआ है वो है कि भाई हाई बनाने के बाद वापस उसी जोन में आ जाए जिधर आप अपने प्रीवियस हाई बनाए हुए, या फिर इवन के उस जोन में आ जाए जिधर आपने प्रीवियस लो बनाया हुआ है। इस तरह नहीं चल रहा, यहाँ पे क्लियर हाई बना रहे, क्लियर हाई लो बना रहे, क्लियर हाई बना रहे, फिर क्लियर हाई लो बना, ठीक है, इस हिसाब से चल रहा है जो इस चीज, और इंक्लूडिंग इंपल्सिव मूव्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसका क्या बोलते हैं इसको यार, क्या नाम है उसका, कि जब जो इंडिकेशन है उसकी वो ये है कि जब आप क्लियर अप ट्रेंड देखते हो ना उसके अंदर एक कंडीशन ये है कि उसके अंदर इंपल्सिव मूव होना चाहिए, अगर उसके अंदर इंपल्सिव मूव नहीं है तो वो क्लियर अप ट्रेंड नहीं है, खत्म स्टोरी, पीरियड, बस खत्म। अगर आप देखो कि उसके अंदर कोई इंपल्सिव मूव नहीं है, समझो कि बेशक कि प्राइस ऊपर जा रही है तो वो ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं कि आपका जो है ओवरऑल स्ट्रक्चर या जो ट्रेंड है वो वीक है, वो सुस्त है, कमजोर है, उसके अंदर जान नहीं है, समझ रहे, वो दो दांतों वाला बकरा है। अब पता नहीं दो दांतों वाला स्ट्रांग होता है कि चार दांतों वाला होता है मगर समझ ले कि उसके अंदर जान नहीं है, ठीक है। अब एक सेकंड के लिए सब जो है हम साइड पे करते हैं इसको, यही चीज हम यहाँ ले आते हैं, ये भाई आपका लो है, ये आपका हायर लो है, उसके बाद ये आपका हायर लो है, और उसके बाद ये आपका हायर हाई है, इसी तरह ये आपका हायर, ठीक है जी। और इसी को जो है वो हम एक काम को क्लोन करते हैं, ओ भाई ये गलत क्लोन मार दिया, किधर है इसको क्लोन करना, यू ये क्लोन किया इधर आ गया, इसको उठाओ ये इधर आ गया, समझ रहे। यहाँ पे अगर देखो तो कचरा बहुत ज्यादा है, किस लिए ज्यादा है, एक चीज कि लो के बाद जब हाई बनाए ना तो दोबारा हायर लो बनाए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब दोबारा हायर हाई हर हाई बनाए इसने फिर नीचे आता है तो क्या करता है कि तकरीबन वही एरिया 90% वही जोन जिस जगह पे आपका हायर हाई और हायर लो बना था उसी के अंदर आके इसने हायर लो बनाया, यानी बार बार उसी एरिया में आता है, उसी जोन में आता है कि जिस जगह पे आपका प्रीवियस हायर लो बनाए या प्रीवियस हायर हाई बनाए, उसी जोन के अंदर बार बार आके नया लो या नया हाई बनाते जा रहे हैं, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर, जिसका मतलब ये होता है कि आपका इंटायर जो अप ट्रेंड चल रहा है ये वाला, फॉर द सेक ऑफ एन आर्गुमेंट कि ये अप ट्रेंड है, वो जो इंटायर पूरा आपका ये जो अप ट्रेंड का प्रोसेस चल रहा है इसके अंदर बिल्कुल कोई जान नहीं है, इसको बोलते हैं वीक ट्रेंड। अब इससे समझ जाए आप लोग अमूमन कि यहाँ से आपका रिवर्सल जब होगा ना वो शार्प किस्म का रिवर्सल हो, शार्प रिवर्सल बेसिकली क्या, यहाँ प्राइस आया ना डज यूं गिरेगा, अक्सर देखा है और वो आप लोगों ने देखा है, मैं अगर ये सब हटा दूं ना एक सेकंड के लिए, तो यहाँ पे एक और चीज है जो कि जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि ट्रेंड लाइन बकवास है। आप लोग जो भी आज तक सीखा ना, आप लोगों ने क्या सीखा है, ट्रेंड लाइन लगाओ। अभी कुछ जहन में खटक रहा है या नहीं, कुछ पिक्चर जहन में बन रहा है, बताओ। टोमो को आप गोली मारो, टोमो शोमो को आप इधर रेस पे फोकस करो, जहन में पिक्चर बन रहा है भी कि भाई मैंने जिस तरह भी एक्सप्लेन किया वो ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर, और लोग जो है ट्रेंड लाइन लगा के क्या बोलते हैं कि भाई यार ये ट्रेंड लाइन लग गया, चलो भाई अगर ये ब्रेक किया तो नीचे, ओ भाई हमको पहले से पता है वो नीचे जाएगा, उसका बाप भी नीचे जाएगा, हमें ट्रेंड लाइन की जरूरत ही नहीं, समझ रहे, थोड़ा सा जहन क्लियर हो रहा है, ट्रेंड लाइन है तो जिंदगी तबाह। यार फहाद हुसैन देखो, अगर आप कहते हो ना कि ट्रेंड लाइन काम करता है तो देखिए मुझे जरा कोई समझाए कि ट्रेंड लाइन अगर काम करता है तो वो उसका मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन ना भी लगाऊं, ठीक है लगाऊं तो चलो मुझे यहाँ पता चल गया ना कि ट्रेंड लाइन है, चलो सही है भैया, ओ यार ये फलाना जगह है ना ये, ओ ये ब्रेक किया या फिर ये सपोर्ट ये वाला ब्रेक किया, फिर जो है मैं उसको शॉर्ट मोट मारू वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मुझे ट्रेंड लाइन के बगैर पता हो कि ये जो प्राइस ऊपर जा रही है ये शार्प रिवर्सल वैसे भी मारेगा ही, तो मुझे ट्रेंड लाइन की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक चीज की जरूरत है जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एक छोटा सा हॉरिजेंटल लाइन, बस मुझे ये चाहिए, खत्म, बस ये चाहिए मुझे और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
इससे मेरा वो सारा ट्रेंड लाइन का जो कचरा है वो सारा क्लियर हो गया, मुझे फिर कोई जरूरत ही नहीं है कि मैं जो है वो ट्रेंड लाइन लगाऊं। समझ रहे हैं आप लोग, ये पता नहीं क्यों टेढ़ा लग रहा है, सीधा नहीं हो रही। बस मुझे सिर्फ ये चाहिए, मुझे यहां से पता चल जाता है कि हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो गया। इसको बोलते हैं ट्रेंड शिफ्ट या फिर शिफ्ट इन ट्रेंड। ठीक, अच्छा मोमो का सवाल अच्छा है कि वो कितने हायर हाइज वगैरह बनाने के बाद वो गिर सकता है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, इस पे मैं आऊंगा ना, मगर मैं बीच में क्योंकि आप लोगों के साथ साथ सवाल पूछता हूँ ताकि पता चले कि क्लियर है या नहीं है। अच्छा अब इसको हम एक बार दोबारा बना लेते हैं, डिश्के आऊँ। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो ऐसे गिरे, मतलब इस तरह का गिरे, बल्कि ये तो कचरा हो गया, इसको सही करते हैं। यहाँ पे आ गया, इसके बाद सब एक आवाज में बोलो मेरे साथ, डिश्के आऊँ। ये हो गया भाई, ये टाइम टाइम फिश। अच्छा अब वो सवाल ये कि भाई वो कितने हायर लोज वगैरह के बाद वो गिरेगा या हायर हाइज के बाद गिरेगा। तो उसका जवाब ये कि अगर आप पीछे देखो, क्योंकि अभी तो मैंने बताया, वैसे तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, वो नहीं चाहिए, वैसे आपको पता होना चाहिए, लेकिन मैं बताता हूँ। हमें पता है कि भाई पीछे जो है वो किस जगह पे बना लेते हैं, हम इसको फर्ज करें यहाँ बना लेते हैं यूं। ठीक, फॉर इंस्टेंस हमें पता है कि इस जगह पे हमारे पास यहाँ पे, यानी किधर गया, इस जगह पे हमारे पास क्या पड़ा है भाई, हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, OB प्लस इम्बैलेंस। एक तो कैप्स लॉक खुला हुआ है, गड़बड़ कर दिया। ठीक है जी, हमें पता है कि हमारे पास इस जगह पे ये पड़ा हुआ, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ ताकि वो इधर छुप जाएगा, इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, मगर वो है, समझ लें कि वो इसके अंदर है, रेक्टेंगल के अंदर है। हमें पता है कि इस जगह पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है प्लस इम्बेलेंस है, और हम देख रहे हैं कि ट्रेंड जो है ये ट्रेंड नहीं, ये मतलब जो प्राइस जो स्ट्रक्चर है ये वीक ट्रेंड है और ये करेक्टिव फेज है, ये करते 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 यहीं पे जाएगा और ये इसका बस का आखिरी स्टॉप, ये कुरंगी जाएगा, कुरंगी के बाद सीधा वापस क्लिफ्टन आएगा। समझ रहे हैं, हालांकि पता नहीं उधर बस भी चलती कि नहीं, तो लिहाजा इधर आने के बाद माल उठाएगा, उसके बाद डज नीचे, यूं आपको पता चलता है। तो आपको जरूरत नहीं है कि आप उधर ट्रेंड लाइन लगा, समझ लिए। शाह फहद जालिम, मैं माल, मुझे आज क्या कमाने की जरूरत, माल तो मैंने अल्लाह के फजल से बहुत कमाया हुआ, और मैं तो रोज इसी किस्म के फॉर्म में होता हूँ। चौपाल टावर ब्रेक डाउन नहीं यार, ये सीक्रेट प्राइस एक्शन नहीं है, ये आपको मैं स्ट्रक्चर बोल तो रहा हूँ बार बार, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर, ये सीक्रेट प्राइस एक्शन नहीं है भाई। मैंने 2016 से अब तक कितना कमाई है तो मैं नहीं बताऊंगा आपको खुलासा, मगर ये कि जो मेरा नेटवर्थ है ना, वो मेरे नेटवर्थ में से जो है वो 65% तो सारा जो इन्वेस्टमेंट है मेरी स्पॉट की, उससे मैंने कमाया। ओके, अच्छा 12, ठीक है। अब हम इसको इतना रिप्ले करेंगे डेली से उठा के, हम जाएंगे 1 घंटे पे, 1 घंटे पे जाने के बाद हमें जरा देखना है, 1 घंटे कुछ ज्यादा ही है, 4 घंटे पे चलते हैं पहले, 4 घंटे पे जाने के बाद हमने यहाँ पे देखना है कि क्या कुछ रही है। ठीक है, ये आपका इंपल्सिव ड्रॉप। अब एक काम करेंगे कि हम 1 घंटे पे जाएंगे, 1 घंटे पे जाने के बाद हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे कौन सा जो है वो 30 मार खान छुपा हुआ। ठीक है,
उसके बाद हम जाएंगे 15 पे ताकि और हमारे पास क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसको जूम करते हैं जरा। ये हमने इसको पकड़ा है, अब जरा रिप्ले हटा के देखते हैं कि क्या हुआ है और वापस डेली पे चलते हैं। पहली बार यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक पकड़ा, इधर क्या हुआ है उसके बाद? प्राइस इधर आई है, हल्का से ऊपर गई है, मेरे ख्याल से ये पूरा विक इधर तक इसको कवर किया, उसके बाद डज वापस नीचे। कितना नीचे गिरा है हमारा जब से हमने इसको स्पॉट किया है? तो अगर हम यहाँ से उठाएं और उसके बाद हमारी एंट्री है, उसके बाद नीचे कितना है? 53.5%, तकरीबन 54%। ठीक है, दूसरी बार गया है तो इस बार मिस किया इसको, तीसरी बार गया है एग्जैक्टली उसी जगह से। अब मैं दोबारा उसको जाऊंगा रिफाइन करने, देखने के लिए कि ऊपर जो है ये यहाँ पे क्या था, शायद वहां था भी लेकिन मैं नीचे वाला उठाया। मगर नेवरदलेस स्टिल आपके लिए जो है बड़ा प्रॉफिटेबल है, आपका स्टॉप लॉस तो वैसे ऊपर है थोड़ा सा। उसके बाद देखते हैं, पता नहीं कोई 60-70-50 जो भी परसेंट है, ये तो फिर गिरा, फिर ये वाला है बहरहाल जो बीच बीच में बना के उसको दोबारा से उठाया, मगर वो तो बात की बात। अच्छा, एक बार हम वापस जाते हैं जरा, इसको हम वापस ऐसे करते हैं और फिर हम जो है वो जाते हैं अपना रिप्ले लगा के। इतना कितने पे गए थे हम? 15 मिनट पे गए थे। इसको हम जाके भी 5 मिनट पे रिफाइन करेंगे। ओ आ भी जा, पांच मिनट से भी एक बार नीचे चलते हैं, 3 मिनट पे चलते हैं। जंग लग गया इसको, छोड़ो यार एक और काम करते हैं, रिप्ले उठाओ, 4 घंटे पे जाओ, रिसेट। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। मैं उधर ऑर्डर ब्लॉक के पीछे घूम रहा था, यहाँ पे जो चीज है हमने मिस कर दी है वो क्या है, गौर से देखें यहाँ पे क्या हुआ। ये जो विक आया ना, ये वाला, अगर मैं इसके ऊपर एक लाइन लगाऊं तो भी आपको समझ आएगा कि यहाँ पे दरअसल हुआ क्या। वो मैंने दरअसल उस पर फोकस नहीं किया इसलिए वो मिस हो गया। ये देखो, ये जो विक इधर मारा है ना, इधर ये वाला, ये विक क्यों मारा इधर? क्योंकि यहाँ पे जरा गौर से देखे क्या हुआ, ये पहला विक है आपका और ये दूसरा है। ठीक है, ये वाला विक और उसके बाद ये वाला विक, ये जो पूरा जोन है ये आपका इम्बैलेंस जोन। ठीक है, इस इम्बैलेंस जोन को पकड़ें कॉम्बिनेशन विद द ऑर्डर ब्लॉक्स, तब आपको समझ आएगा कि ये जो विक मारे क्यों मारे। तो मैं इतना नीचे जा रहा था ये ढूंढने के लिए, शायद ऑर्डर ब्लॉक जो कि हमने ढूंढ लिया था, लेकिन ये जोन जो हमारा इम्बैलेंस वाला जोन है जिसको इसने पूरा कवर किया एंड एट द सेम टाइम आपका माल उठाया कि फिर नीचे। ठीक है जी, समझ आया? समझ नहीं आया? क्यों नहीं आया समझ? भाई किसी को अगर नहीं पता ना इम्बैलेंस क्या है तो वो ये होता है। देखें, फर्ज करिए आपका एक कैंडल है, ठीक है,
और उसके बाद आप देखते हो कि एक और आपका जो है वो कैंडल फर्श करें इधर बन गया, बल्कि थोड़ा लंबा। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई आपका जो है वो एक इधर लगाते हैं इसका एक क्या बोलते हैं इसको, एक यानी विक। ठीक, इसी तरह हम ये बीच में नहीं जाएगा, गई हूँ इसको बड़ा करना पड़ेगा। अब हो गया सही। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो कि आपका एक विक आपका इधर है। वो ये क्या लगा दी, FVG रिफाइन करना समझा दो। FVG को क्या रिफाइन करना है, आप ऑर्डर ब्लॉक्स को आप रिफाइन करो। तो ये जो है दिखा रहा हूं वो तो वही चीज है ना, ये कैसा गड़बड़ है, कितना इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है फालतू है। बल्कि और नीचे कर इसको, लाहौले वाला। अच्छा, उसके बाद इधर लगाओ एक, खत्म करो किसा, ये लगा इतना सा। ठीक है, इनके बीच में जो विक्स के बीच में जो गैप रह जाता है ना आपका, बस इसी तरह समझो इसको, ये विक है और ये विक, इसके बीच में जो गैप रह गया है ना, जो कनेक्ट नहीं करे एक दूसरे को, इसको इम्बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने उसको खामखा में 3 लगाया, वो तो 2 में ही हो जाता है। जो आपका विक है ना इसका और इसका बीच में जो गैप है, वो आप उसको जो है वो बोलते हैं इम्बैलेंस। यही आप लंबा करते हो इस एरिया में, कि कल को जब प्राइस मिसाल के तौर पे ड्रॉप करके यहाँ से टक 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 वापिस ऊपर आएगा ना, तो आपको पता है कि इस जगह पे उसको फिल करना है। एंड एट द सेम टाइम आपके यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होता है जिसको बोलते हैं माल। ठीक है, ये माल उठाने के बाद क्या होगा, प्राइस यहाँ से जो है वो डज वापिस नीचे गिरेगा, मोस्ट लाइकली रिजल्टिंग इन कि आपका जो है वो प्रीवियस लो भी ब्रेक हो जाएगा और फिर आपके बाद कंटिन्यू करते हो टुवर्ड द डाउन साइड ऐसे। ठीक, तो बेसिकली जो जो बीच में आपका विक्स का जो बीच में आपका गैप रह जाता है उसको बोलते हैं बैलेंस। ये काम इधर हुआ है जो मैं दिखा रहा था अभी। ठीक है, ये जो विक यहाँ पे मारा है ये इसलिए कि यहाँ पे पीछे आपका गैप। अब यहाँ पे गौर से देखो क्या हुआ है, यहाँ पे जो विक है ना ये वाला इधर चले जाओ, ये वाला विक बल्कि इसको हटा देते हैं, एरो लगा रहा हूँ, इसको गौर से देखो, ये जो विक है और ये जो विक है इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, तो बड़ा लंबा चौड़ा कैंडल है जो कि एकदम से नीचे है। इसको बोलते हैं कि भाई लीविंग इम्बैलेंस और इनएफिशिएंसी इनसाइड। फिर अगली बार जो प्राइस वापस ऊपर आया तो उसने वहां से माल उठाया, इम्बैलेंस आपको फिल किया, देन दोबारा से कंटिन्यू किया टुवर्ड द डाउन साइड। ठीक है जी, मुफ्त में उसके ऊपर 5 मिनट जाए किया। अच्छा भाई, और क्या था भाई हमारे पास, ये क्या मैंने अनाउंस किया था, क्विक रिवीजन ओवर योर वॉल्यूम्स, ये हो गया क्वेश्चन आंसर थोड़ा बहुत, तो साथ साथ ही चल रहा है वो, फिर से एक राउंड मार लेंगे उसका। उसके बाद ये कि भाई हाउ टू स्पॉट प्रॉफिट, ये भी हो गया, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ फेक अप ट्रेंड, ये भी हो गया, हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ क्लियर क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर फॉर बोथ स्कैल्प ट्रेडर ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा ये वाला है, ये इसके ऊपर करते हैं। तो फॉर इंस्टेंस हम इसको लेते हैं, चिंटी को लेते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को जो स्ट्रक्चर है वो भी क्लियरली दिखे। ठीक है, अच्छा इसको आप 2 तरीके से जो है वो कर सकते हो ट्रेड, ताकि आप लोग उसके ऊपर स्कैल्प भी कर सको और डे ट्रेड भी कर सको। इसके 2 तरीके, पहला
पहले वापस बल्कि 1 घंटे पे जाते हैं, डे ट्रेड की बात करते हैं और उसके बाद फिर स्कार्प के ऊपर बात करते हैं। जो डे ट्रेड है वो तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ना, जिस तरह कि भाई यहाँ पे आपका जो है वो सपोर्ट जोन या डिमांड जोन ब्रेक होने के बाद नीचे आया, ऑर्डर ब्लॉक से माल उठाया, ऊपर गया, बेरिश रिटेस्ट किया, ये आपकी एंट्री, इस जगह पे आपकी एंट्री। ठीक है, थोड़ा और आसान करने के लिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि भाई ये आपकी एंट्री है बेसिकली, और उसके बाद आपका प्रीवियस लो जो है वो आपका वो है टीपी, जो प्रीवियस लो है वो आपकी टीपी। स्टॉप लॉस ज्यादा ज्यादा आप थोड़ा सा ऊपर लगाते हो, जिधर आप देखते हो कि भाई आपकी एंट्री उससे थोड़ा सा ऊपर। अब आप जोर मारो उसको, 1% करो, 1.5% कर लो, कभी कभी तो आपको 1-1.5% की जरूरत ही नहीं पड़ती, उससे भी आप कम अपना स्टॉप लॉस लगाते हो। एक तो मगर टीपी लगाने का इधर मतलब ये, ओ चुप करो यार, यहाँ पे टीपी लगाने का मतलब ये नहीं है कि बस आप लोग जो है वो इसी इंतजार में बैठ जाओ और सो जाओ और बस वो चलता रहे चलता रहे चलता रहे, नहीं, उसका मतलब ये नहीं। उसका तरीका ये है कि जैसे जैसे आप देख रहे हो ना कि फॉर इंस्टेंस किधर गए हुआ, ये आपकी एंट्री है, यहाँ से प्राइस जो है वो गिर रहा है, जैसे जैसे आप देख रहे हो ना कि वो गिर रहा है तो आपने क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस इधर ले आना, उसके बाद आप देखते हो दोबारा और गिर गया, स्टॉप लॉस थोड़ा लेके आओ, साथ साथ मैनेज करो उसको। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेड लगा दिया सो गए, वो ऐसा कभी आप नहीं करो, क्योंकि वो हमारा कोई 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 हमारा जो है वो साला वाला नहीं है कि जो उसकी बहन से हमने शादी की हो तो वो मजबूरी में वो जो भी करे। ठीक है, तो लिहाजा आपने उसको साथ साथ मैनेज करना है, फिर आप देखते हो ऐसे ऐसा इवेंचुअली आपकी टीपी शीपी भी लग गए, चलो फिर अंदाज के साथ अपना प्रॉफिट शॉफिट लेके, और फिर केस खत्म, भाई चलो भाई मेरा प्रॉफिट ले लिया मैंने, अब जा रहा हूँ, ट्रेड बंद, वो अलग बात। तो बहरहाल उसको साथ साथ मैनेज करना। अच्छा, ये आपके डे ट्रेड में शुमार होता है। इसी को अगर आपने स्कैल्प करना है तो फिर आप उसको स्कैल्प कैसे करते हो? स्कैल्प आप उसको ऐसे करते हो कि पहले मैं इधर बना देता हूँ, उसके बाद आपको समझाने के लिए फिर हम चार्ट पे दिखाता हूँ कि फॉर इंस्टेंस यहाँ से प्राइस गिरी, बल्कि इसके ऊपर एक तो सही से बनता भी नहीं ना, और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा फर्ज करो बाउंस किया, यहीं पर थोड़े से कंसोलिडेशन की, ठीक है, यूँ, फिर इवेंचुअली नीचे गिर गया। अब जब आप देखते हो कि वंस अगेन शिफ्ट इन ट्रेंड है ना, अभी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा, लिहाजा फोकस करो थोड़ा। अच्छा, इस जगह पे हम लिख देते हैं कि शिफ्ट इन ट्रेंड। अब इसको लिखने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ कि भाई क्योंकि जब तक ये लो होल्ड किया हुआ है ना, तो इसका मतलब है कि चांसेस है कि ऊपर जाएगा। ये जब ब्रेक हो गया इसका मतलब है कि शिफ्ट हो गया भाई आपका ट्रेंड। जब ये हो जाता है ना तो फिर आपने क्या करना है कि इस जगह पे आपने अपना शॉर्ट खोलना है। ठीक है, ये जगह जिधर आप अपने शॉर्ट खोलते हो, और आप जब शॉर्ट खोलते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प ट्रेड है, छोटा सा स्कैल्प ट्रेड, जिधर आप 1% 1.5% उसको कैच करते हो, बजाय इसके कि आप जो है वो बैठ के कोई पता नहीं कोई 5-6% का टीपी लगा के सो जाओ, छोटा सा आप उसको स्कैल्प करते हो, जबकि आपका डे ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है। एक आपका ट्रेड है जो कि ऑलरेडी चल रहा है, जिसकी हमने एंट्री की है, फर्ज करो कहीं या ये इस जगह पे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने डे ट्रेड की एंट्री कर ली। ठीक है, यानी जैसे ये पीछे दिखाया ना, ये आपकी एंट्री ऑलरेडी चल रही है, ये ट्रेड चल रहा है, और आपने अपना टीपी लगाया हुआ है नीचे, मिसाल के तौर पे प्रीवियस लो पे। अब जब यहाँ देखते हो दोबारा से शिफ्ट इन ट्रेंड हुआ है ना, तो इस जगह पे आप एक और शॉर्ट खोलते हो, जिसकी एंट्री जिसका जो है वो टीपी शिपी जो है वो 1% से 1.5% वो लगभग इस तरह चल रहा है। अब वहां पे अगर कोई प्रीवियस लो और दिखता है आपको, इन दैट केस जिधर प्राइस ने अगर कोई कंसोलिडेशन भी की, कंसोलिडेशन से मुराद क्या होता है बेसिकली कि भाई प्राइस आपकी जो है वो ड्रॉप करने के बाद थोड़ा सा साइडवेज यूं जाने के बाद फिर ड्रॉप करता है, फिर साइडवेज गया फिर ड्रॉप, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है, साथ साथ इसको डिपेंड करता है क्या सिनारियो है, तो उसको फ्लैग जोन भी बोलते हैं, मगर आसान करने के लिए इस सिनारियो में जो है इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो जब आप यहाँ पे ट्रेड करते हो ना, फर्ज करो यहाँ से आपने स्कैल्प खोला, तो आपकी टीपी ये होनी चाहिए, जब आपने यहाँ से डे ट्रेड किया हुआ ना, तो आपकी टीपी जो है प्रीवियस लो, अब वो चाहे इधर है वो आपका प्रीवियस लो जो है वही टीपी है। इस तरह आप साथ साथ उसको स्कैल्प भी करते हो। अच्छा, अब आ जाओ भाई, इसको हटा दो एक बार, ये मिसाल के तौर पर ये आपका जो है वो स्कैल्प हो गया। इसी तरह दोबारा अगर आप देखते हो कि वही प्राइस वही उसी दिन या एक दिन बाद या जो भी है वो गिर रहा है और वही उसका डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर चल रहा है, तो फिर इन दैट केस क्या करते हो कि भाई यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद आप देखते हो कि वापस नीचे आया, थोड़ा साइडवेज वाइडवेज गया, दर्ज नीचे आया, ये जिस जगह से ब्रेक करके आया ना इधर, यहाँ पे आप दोबारा से एक स्कैल्प ट्रेड यूं खोलते। ठीक है, ये इस हिसाब से आप दोबारा से एक स्कैल्प ट्रेड खोलते हो, फिर वही 1-1.5%, फिर आप देखते हो कि इवेंचुअली ये 2 स्कैल्प ट्रेड करने के बाद आपका प्राइस जो है वही आ गया जो आपके डे ट्रेड का टारगेट था। अच्छा, इसी चीज को चार्ट के ऊपर देखना। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपके पास है इधर ये,
कौन सा, 1 घंटे का टाइम फ्रेम। तो लिहाजा यहाँ पे आप देखते हो प्रीवियसली यहाँ पे हमारे पास था 1 लो, और उसके बाद प्राइस जो है वो इम्पल्सिव मूव मार के ऊपर गया। तो जिस जगह से ऊपर गया इस तरह, बस ये आपका स्कल्प ट्रेड है, खत्म स्टोरी। जो डे ट्रेड चल रहा है वो तो आपका इधर से ऑलरेडी यूं चल रहा है, ठीक है ये। फिर आप देखते हो दोबारा से क्या हुआ है कि वही चीज नीचे आया, कंसोलिडेशन डज नीचे, जिस जगह से ब्रेक करके आया ना नीचे, वही जगह है आपकी एंट्री। और उसके बाद फिर आप देखते हो कोई प्रीवियस लो आसपास, और उस हिसाब से आप अपना जो है वो 1.5-2% जो है वो लगाते हो स्टॉप लॉस, ठीक है जी। और शिफ्ट इन ट्रेंड ट्रेंड को आप कह सकते हो ब्रेकअप स्ट्रक्चर, मगर वो डिपेंड करता है। कभी कभी आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर तो बेसिकली ऐसा है ना कि आप देखते हो एक प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो या जो भी है वो ब्रेक हो गया, तो चलो भाई आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर। शिफ्ट इन ट्रेंड को आप दो मुख्तलिफ मानों में ले सकते हो, ऑन द हाई टाइम फ्रेम मार्केट डायरेक्शन के लिहाज से, और वैसे ऑन द लो टाइम फ्रेम इंटरनल, जो कि थोड़ा सा सिमिलर है ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ठीक है जी। चलिए भाई तहान अदीम, अगर आपका जो है वो कोई सवाल है तो आप हाथ वो करो, अनम्यूट करके आप पूछो। तहान अदीम भाई आवाज आ रही? अच्छा नहीं आ रही। अब्दुल रहमान अगर आपको कोई सवाल है अनम्यूट करके पूछ लो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, ये जो शिफ्ट ऑफ ट्रेंड होता है, अभी आपने बताया है कि आप ट्रेंड है और ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग के बाद जो शिफ्ट ऑफ ट्रेंड होता है हम उसे ये कहेंगे? अगर नहीं, ओवरलैपिंग हो रही है अप ट्रेंड की तरफ, तो उसकी तरफ अगर उसने विक मारी है नीचे, तो वो फिर मतलब ओवरलैपिंग की वजह से? नहीं, शिफ्ट ऑन ट्रेंड का या शिफ्ट इन ट्रेंड का जो है वो ओवरलैपिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे वो हो रहा हो चाहे वो नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये हल्का सा कंसोलिडेशन हो रही है, तो यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर टाइप तो नहीं है, हल्का सा कंसोलिडेशन है, क्योंकि अप ट्रेंड तो है नहीं कि जिसको हम कह सकें कि वो किधर बनाया था, वो मैंने इसी इसी पे बनाया था, किधर बनाया था उसको, सबर में ढूंढता हूँ वापस उसको, किधर बनाया था मैंने, डेली शेली पे जाऊंगा। हाँ ये तो यहाँ पे आप देखो सर, ओप्स, ये हमारा प्योर अप ट्रेंड था जो ठीक ठाक चल रहा है, सेट है, हमें पता है क्लियरली हायर लो हायर हाइज वगैरह वगैरह बना रहा है। और इसको अगर देखा जाए तो ओप्स, अच्छा अगर इसको देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ये काफी एक पूरा क्लस्टर है, जिधर ये कहने को तो अप ट्रेंड चल रहा है हमारा यहाँ पे, और उसको मैं अगर ऊपर गेहूँ कर दूँ तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। कहने को तो हमारा यहाँ पे जो है वो अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन दर हकीकत क्या हो रहा है, जिस जगह पे हायर लो बनाया उसी जगह पे तकरीबन दूसरा हायर लो बना रहा है, जिस जगह पे हायर हाई बनाया तक तो उससे थोड़ा बहुत कम डिस्टेंस है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस वाले जो जोन है ना, जिधर हायर लो और हायर हाइज बनाई, उन्हीं जोन में दोबारा आके वहां पे हायर हाइज हायर लोज बनाते जा रहे हैं, इसको बोलते हैं पूरे क्लस्टर, जिसकी वजह से ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये जो ट्रेंड है इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि शिफ्ट इन ट्रेंड क्या है। शिफ्ट इन ट्रेंड का आपका मतलब क्या है कि इन केस ऑफ डाउन ट्रेंड्स, मिसाल के तौर पे जैसे कि अगर बना लें यहाँ पे, फर्ज करें कि किधर गया, ऐसे कर लेते हैं यूं, इसको ये ब्लैक है इसको व्हाइट करते हैं जल्दी से यूं, और उसके बाद आप देखते हो। सो फॉर इंस्टेंस प्राइस जो है वो यहाँ से ऊपर गई, कट कट कर करके, भाई आपका बुल रन शुल रन था जो भी था, बिटकॉइन गया 10 लाख पे, अच्छा भाई आ गया नीचे, ठीक। अब जब ये एरिया ब्रेक करेगा ना, इसको भी शिफ्ट इन ट्रेंड बोलते हैं, जिसको हम अमूमन कहते हैं क्या, सपोर्ट ब्रेक हो गया या डिमांड जोन ब्रेक हो गया या जो भी हो गया, इसको ब्रीच कर दिया हमने, ये भी शिफ्ट इन ट्रेंड है। अच्छा उसके बाद जब ये दोबारा से ऊपर यहाँ पे जाता है थोड़ा सा, फिर वापस नीचे आता है, ये ब्रेक किया, जिसको आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बोलते हो, वो इन दिस केस भी या चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये भी हो गया आपका शिफ्ट इन ट्रेंड। इसी तरह थोड़ा कंसोलिडेशन मारा, फिर नीचे गया, दोबारा यहाँ से ब्रेक किया, इसको भी बोलते हैं शिफ्ट इन ट्रेंड। ये छोटे छोटे जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर आते हैं ना, जो लोअर टाइम फ्रेम्स पे, इनको शिफ्ट इन ट्रेंड्स बोलते हैं। ऑन द हाई टाइम फ्रेम्स आप बड़े स्ट्रक्चर को, इन टर्म्स ऑफ मार्केट डायरेक्शन, जब चीजें चल रही हैं, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है कि बहुत टाइम तक ऊपर गया फिर उसके बाद नीचे आया, यहाँ पे जब ये आपको पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑन द हाई टाइम फ्रेम्स ब्रेक हो गया, उसको बोलते हैं शिफ्ट इन ट्रेंड। तो इसका ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर से कोई ताल्लुक नहीं। सर जो लास्ट क्वेश्चन है सर, जो प्रीवियस हाई आपने कहा था ब्रेक करके फुल, उसने लास्ट पे आपने कहा था जब वो उसने बेरिश रीटेस्ट किया था, फिर उसने प्रीवियस हाई तोड़ा था लास्ट में आपने जो बताया था।
तो सर बेरिश वो रिटेस्ट किया, उसके बाद क्या किया? प्रीवियस सर जो आपने कहा था कि बेरिश रीटेस्ट करेगा उसके बाद आके प्रीवियस हाई भी हाँ आपने कहा तोड़ेगा चार्ट पे, ये वाला प्रीवियस हाई हाँ भी तोड़ के नीचे आया, तो सर वो उस सर वो जो अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें हॉरिजॉन्टल तो सर पीछे बुलिश ब्लॉक ऑर्डर है वो वीक हो गए मिटिगेट करते करते, इसलिए वो डाउनफॉल आया। ये मैंने बड़ा डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया था, मगर आप लोगों ने फिर शायद दोबारा से ना तो नहीं समझाया, देखा नहीं। अच्छा, नहीं सिर्फ अब प्रीवियस आप का देखते बता रहे हो कि सर। भाई आपके पास ये भाई ऑर्डर ब्लॉक है ना, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भाई क्या पड़ा है आपके पास? मिसाल के तौर पे आपके पास पड़ा है भाई 10 मिलियन, ठीक है। बल्कि इसको ऐसे करते, किधर है या एक तुम्हारे पास यहाँ पे डॉलर साइन नहीं है? ये एक तो डेनिश कीबोर्ड है मेरा, बड़ा गड़बड़। अच्छा ठीक है, फर्ज करें आपके पास 10 मिलियन, बल्कि ये ब्लॉक है, इसको ये दूसरे को हटा देते हैं। ये कहाँ से आ गई? ओ भाई, ये 10 मिलियन डॉलर जो है ना, ये बजात खुद समझे कि ये जो है आपका वो है, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा, अब क्या होता है कि भाई प्राइस आपकी जो है वो इस जगह पे, अब ये जा रहा है नीचे, करते करते पहली बार आया ड्रॉप किया अच्छा खासा, फिर आया इधर, फिर ड्रॉप किया छोटा सा, फिर आया इधर बहुत छोटा सा ड्रॉप किया। बस अब यहाँ पे क्या समझ आ रहा है? यहाँ पे समझ आपको ये आना चाहिए कि जब पहली बार आया ना इधर, तो यहाँ से 10 मिलियन में से मेजोरिटी यहाँ पे उठा लिया इसने, जो कि कह सकते हो कि 6 मिलियन, 10 में से 6 मिलियन पहली दफा में उठा लिया। पता कैसे चलता है वो? भाई साफ सुथरी बात है, क्योंकि इतना जबरदस्त ड्रॉप किया, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन अच्छा खासा आया, जिसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा माल उठाया। अच्छा, दूसरी बार जब आया तो छोटा ड्रॉप किया निस्बतन, क्योंकि यहाँ पे समझ लें किस्म का भाई ये लोअर लो था या हायर लो है, तो लिहाजा यहाँ पे ड्रॉप भी छोटा सा हुआ। अब इसका क्या मतलब है कि जो 6 मिलियन निकल गए, तो 4 मिलियन बाकी है, 4 में से इसने कोई 2.5-3 मिलियन उठा लिए, जिसकी वजह से इसका रिएक्शन तो आया लेकिन छोटा आया। मिसाल के तौर पे पहली दफा जब ड्रॉप किया तो 10% ड्रॉप किया, दूसरी परसेंट जब ड्रॉप किया दूसरी दफा, तो 10 में से जो है वो कोई फर्ज करें 6% ड्रॉप किया। अब तीसरी बार जब यहाँ पे आया तो इसने सिर्फ और सिर्फ 2.5% ड्रॉप किया, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से माल खाली हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब यहाँ आएगा ना, तो शूट करके निकलेगा यहाँ से, फिर उसके बाद बोलेंगे हाँ भाई ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, या फिर आप बोलोगे कि शिफ्ट इन ट्रेंड है इन दैट केस, या बोलोगे प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया वगैरह वगैरह। तो इस तरह पता चलता है कि वो माल आपका जो है वो अच्छा खासा निकल चुका है यहाँ से। अगर आप देखते हो कि भाई आपका कंटिन्यूसली ड्रॉप्स कम होते जा रहे हैं और वहां पे आपका जो है वो रिएक्शन कम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके ऑर्डर ब्लॉक में माल बहुत कम पड़ा। सर जो आपने फर्स्ट वाला चार्ट दिखाया था उसमें भी यही हुआ है, मतलब बेरिश रीटेस्ट के बाद जो प्रीवियस लो उसने तोड़ा है, तो मतलब उसमें ही मिटिगेट उसने 2 बार किया था, तो वीक हो गया ऑर्डर ब्लॉक इसलिए नीचे डाउनफॉल आया। हाँ, अभी यहाँ पे तो खैर एक ही बार किया है, और दूसरा कौन सा है? ये भी यहाँ पे भी एक ही बार किया है, इधर भी जो है वो एक ही बार किया। वो अलग बात है, आपकी लिक्विडिटी जो है वो शिफ्ट हो जाती है इस वाली से इस वाली, ठीक है। तो पहले आपका माल जो है, अगर मैं ये हटा दूँ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, थोड़ा नीचे ले आओ इसको, ताकि अच्छा, तो पहली दफा जो है वो हमारे पास ये था, इसको उठाया ड्रॉप किया अच्छा खासा, अच्छा खासा तो नहीं मतलब ठीक है ड्रॉप किया यहाँ से। फिर उसके बाद क्या हुआ है कि आपका लिक्विडिटी उठा के यहाँ पे आ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि इसको उठा के ले आओ यहाँ पे, ये जो इधर आया ना ये वाला, तो ये उसके बाद एक्टिव हुआ। फिर उसके बाद आप दोबारा से नीचे जाते हो। और एक और चीज है कि ना फकत ये, बल्कि इसके अंदर भी ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, वो आप इसको रिफाइन करो छोटे टाइम फ्रेम पे, आपको दिख जाएगा इसके अंदर भी है, जिसको इसने फिर यहाँ से उठाया और नीचे चला गया। तो इससे सिमिलर है कि चाहिए चाहिए, ठीक है। तो लिहाजा उसके बाद ये नीचे, ये तो बनाते रहते हैं ना, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो ऑर्डर ब्लॉक्स आपके बनते रहते हैं बनते रहते हैं, क्योंकि सुबह शाम कोई ना कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो इस तरह के आपके ऑर्डर ब्लॉक्स बनते रहते हैं। बहरहाल ठीक है, ठीक है, काफी थैंक हो गए भाई। यू अच्छा, सर। और कौन है भाई आपका नोबल्स? आरिफ, अनम्यूट करके पूछो क्या बात। वालेकुम वालेकुम सलाम जी भाई। सर, मैंने पूछा था कि सर ऑर्डर ब्लॉक हमारे रोटेट हो जाए उसके बाद हम एंट्री लें इसके बाद, या पुल बैक का वेट करें, पुल बैक का वेट करने के बाद हम एंट्री लें? नहीं तो यहाँ पे आप ऑर्डर ब्लॉक पे ऑलरेडी रिजेक्शन के ऊपर ट्रेड करते हो, आप इंतजार नहीं करते हो कि वो कोई नीचे गिर जाए फिर आप उसको ट्रेड करो? नो, आप रिजेक्शन के ऊपर ऑलरेडी ट्रेड करते हो, जिसकी वजह से अमूमन आपके स्टॉप लॉस नीचे। अब अगर इसी तरह का ट्रेड
रिटेल कंसेप्ट में करना है तो वो कैसे होगा कि फर्ज करें भाई किधर है यार, एक तो सब कचरा भर गया इतना ही, इसको यहाँ से उड़ा देते हैं, ये वाला सारा ऐसे उड़ा देते हैं। अच्छा अब दोनों में फर्क क्या है, एक है आपका भाई फर्ज करें ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक, साथ में इसके हम यहाँ पे बल्कि इसके अंदर ही लिख देते हैं वो भी इसका बैकग्राउंड शैकग्राउंड क्या है, वो इसको बॉर्डर जो है बॉर्डर नहीं बैकग्राउंड को सफेद सफेद ये कैसा सफेद है काला कर देते हैं इसको। अच्छा एक तो आपका ये वही ऑर्डर ब्लॉक ठीक है, इसको भी हम ऐसा करते हैं कि अपना लेफ्ट साइड पे ले जाओ। अच्छा अब हमें जब इस पे ट्रेड करते हैं ना क्या होता है, प्राइस आई नीचे हमें पता है यहाँ पे आपका जो है ऑर्डर ब्लॉक प्राइस ऊपर जा रही है, आप तैयार बैठे हो, जैसे आप देखो कि भाई यहाँ से रिजेक्शन हुआ डज आप ऑलरेडी इधर ट्रेड करते हो, स्टॉप लॉस बिल्कुल पास में यहाँ पे रखते हो और उसके बाद आप देखते हो अच्छा भाई या तो ये लो एक कोई लो होगा आपके पास यहाँ पे उसका आपके टीपी बना लिया, अदरवाइज आपका जो है ऑल द वे डाउन ये वाला लो है वो आप टीपी बना लेते हो, उसके साथ साथ आप स्टॉप लॉस मैनेज करते रहते हो, खत्म स्टोरी, ये हो गया बड़ा आसान काम। अब यही काम अगर आप रिटेल कंसेप्ट में करोगे तो वहां पे तो वाला तुम खराब हो शदीद साढ़े छह इंच मजीद, वहां पे ये होता है आपके साथ कि आप लेते हो भाई एक लाइन किधर गया वो ये ले लिया भाई आपने एक लाइन, ये भाई आपका था सपोर्ट, मैं इधर इसको लिख भी देता हूँ कि भाई ताकि लोगों को पता चले ठीक, ये भाई आपका सपोर्ट है। अच्छा अब क्या होता है भाई प्राइस करते करते आगे लोग जो ट्रेड करते हैं सबसे पहले तो दो कोचराइयां होती हैं इसके अंदर, वो दो जो कोचराइयां होती हैं वो क्या होती है, पहली चीज तो ये कि लोग ऑलरेडी एक सेकंड ऐसे करते करते ऑलरेडी यहाँ पे जो है ना ट्रेड कर लिया लोगों ने शॉर्ट का, कैसे ऐसे ये उसके बाद जो भी उनकी टीपी है पता नहीं इधर है कि उधर है कि जो भी, मगर साथ में स्टॉप लॉस किधर है चार चार पांच पांच परसेंट जो है वो स्टॉप लॉस इधर। अच्छा एक तो इधर बहुत ज्यादा रिस्क है आपके पास, दूसरी चीज अभी तक स्ट्रक्चर ने आपको क्लियर कंफर्म कोई नहीं बताया हुआ है कि क्या हम वाकई में नीचे जाएंगे या हम कोई फेक आउट करके वापस ऊपर आ जाएंगे, मिसाल के तौर पे अक्सर होता है ऐसे कि वो ब्रेक करते साथ डज वापस ऊपर आ जाता है यूं, जिसको हम क्या बोलते हैं कभी कभी हम कहते हैं कोई क्या नाम है वी शेप रिकवरी, कभी हम उसको बोलते हैं कोई राउंडेड बॉटम, कभी हम उसको कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं कभी डेविएशन कभी फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह, हकीकत में क्या हो रहा था वो यहाँ से खाली माल उठा के वापस ऊपर चला जाता है, इसीलिए रिटेल के साथ जो हमेशा पड़ा होता है। अच्छा अब एक तो कोचराई ये थी, दूसरी कोचराई क्या है वो ये कि इनको नहीं पता कि बेरिश रिटेस्ट क्या होता है, अब यहाँ से प्राइस नीचे आने के बाद बेरिश रिटेस्ट करेगा जिधर ये कन्फर्म होगा कि हाँ भाई आपका जो है वो सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बन गया है, इस चीज का इंतजार नहीं करते ये लोग ऑलरेडी ट्रेड में बैठे हुए, ये लोग ऐसे ट्रेड में बैठे हैं, अब होता क्या है कि टीपी शिपी इनकी लगी नहीं है ठीक है, इसको थोड़ा हम ऊपर ले जाते हैं, अब इनकी टीपी शिपी लगी नहीं है प्राइस ऊपर जा रही है, ये घबरा के एकदम क्या करेंगे बंद करो ट्रेड बंद करो ट्रेड, पता चलता है कि प्राइस इधर ऊपर आके उनकी एंट्री वेंट्री के आसपास वापस नीचे चले जाता है, उनकी टीपी शिपी भी लग जाती है, वो कहते हैं यार ये क्या किया मैंने, उस चक्कर में वो क्या करते हैं कि भाई ये जो जगह है ना आपका इस जगह पे जिसको मैंने कहा कि शिफ्ट इन ट्रेंड है आपका, इस जगह पे वो फिर दोबारा ट्रेड करते हैं, फिर आप इसी तरह देखते हो कि ये कंटिन्यूसली दोबारा ऊपर आता है फिर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन ये लोग बार बार काटते हैं अपना ट्रेड, इसके बीच में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो ट्रेड बंद करते हैं। अच्छा हमारा क्या सीन है कि जिस तरह हम ट्रेड करेंगे इसको या करते हैं वो ये कि भाई आपके पास जो है वो था एक किधर गया वो फर्स्ट करें ये वो एक तो ये अलार्म ने जो है वो बड़ा गर्क किया, अच्छा ये हमारे पास इसको वाइट किया, अच्छा अच्छा और उसके बाद हमें पता ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस जिधर मर्जी जा रही है एक ऑर्डर ब्लॉक उधर है फर्स्ट करें दूसरा इधर है हमारे पास, अब हमें पता है कि प्राइस ऊपर आएगी जरूर उसको टेस्ट करके नीचे पीछे जाना, उसमें रिएक्शन आपको मिल जाता है, चाहे आप स्कैल्प करो चाहे आप डे ट्रेड करो जो मर्जी आप करो आप कर सकते हो और वो 9 out of 10 टाइम्स आपके हक में जाता ही जाता है, कभी कोई एक दफा शायद आपने उसको गलत देखा हो या मार्केट वैसे कोई मैनिपुलेशन हुई हो या जो मर्जी हो शायद कभी कभी वो कोचराई करे, अदरवाइज अमूमन उस ट्रेड में वहां पे आके वहीं से रिजेक्ट होकर सीधा नीचे आ जाते हैं। दूसरी चीज मेन जो एरिया वही है, हमें पता है कि बेरिश रिटेस्ट जो है ना मैं यहाँ पे BR लिख देता हूँ, ये बेरिश रिटेस्ट के बगैर आपका ट्रेंड नीचे कभी कंटिन्यू कर ही नहीं सकता, इम्कान ही नहीं है पॉसिबल ही नहीं, अदरवाइज नहीं तो सारी मार्केट बंद हो जाएगी दुनिया में, ये वापस ऊपर आएगा इस जगह पे हमें पता है चाहे एक दिन लगे चाहे दो दिन चाहे चार दिन लगे जो मर्जी लगे, और उसके बाद आप देखते हो कि ये जगह है जिस जगह से आप फिर दोबारा से एंट्री मारते हो अपनी, दोबारा से या मतलब पहली बार ही एंट्री मारते हो उसके अंदर,
एंड देन आपको पता है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में, आपको जो रिवॉर्ड है उसका यानी फर्ज करें 3-4 या 5-6%, और जो रिस्क है वो क्या है 1-1.5%, कभी कभी 0.2%, कभी कभी 0.5%, इस तरह का है, डिपेंड करता है सिनारियो क्या है। तो लिहाजा ये आपके लिए बड़ा सिंपल हो जाता है। अच्छा भाई ओके किधर गए, चलो पॉपजिला, ये क्या जबरदस्त नाम है, वाह, कोई सवाल है तो पूछ लो पॉपजिला। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर जाहिद, मुझे पूछना था आपने लास्ट लेक्चर में जो इक्वल लोज डिफाइन किए थे, तो उसमें जब हम प्रीवियस मार्केट में जाके और उसको ड्रॉ करते हैं W को, बट जब हम फ्रेश चार्ट पे उसको ड्रॉ कर रहे हैं W को, तो जो उसका फर्स्ट बॉटम है वो तो हमें मार्केट प्राइस पे समझ आ गया, बट जब हम उसका सेकंड बॉटम ड्रॉ करेंगे तो उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एंट्री पॉइंट ये होना चाहिए, मतलब उसका सेकंड बॉटम उससे इस पे सेट होना चाहिए। राइट तो जब आप कहती हो ना कि भाई यार पहला जो है उसका बॉटम हमने ड्रॉ कर लिया तो दूसरे का कैसे करें, तो आपने थोड़ी उसका पहले और दूसरे का अलग अलग तो ड्रॉ नहीं करना ना, आपने तो एक ही करना है। मैंने आप लोगों को समटाइम्स सर जाहिद मतलब लोअर हाई हो जाता है, समटाइम वो लोअर लो भी तो चार्ट बन रहा है ना उसका, तो मैं भी दिखाता हूँ किधर गया। मैंने उस दिन क्लियरली जो है वो आप लोगों को 3-4 मुख्तलिफ बना के दिखाया था कि एक तो साफ सुथरा आपके पास स्टैंडर्ड एक डबल बॉटम या W पैटर्न जो है वो एक ही होता है, एक आपके पास ऐसा होता है कि भाई पहला लो बनाए दूसरा और तीस उसके बाद, या दूसरा लो जो बनाता है तो वो हायर लो और उसके बाद प्राइस जाती है ऊपर। एक ऐसा है कि जिधर आप देखते हो ये उल्टा हो गया, पहला लो बनाया दूसरा या ऊपर हाई बनाया, उसके बाद जब आप देखते हो कि भाई अगला जो लो बना रहे वो हायर लो या लोअर लो बना रहे फिर जाते हो, तो लिहाजा ये तो इस तरह चलेगा, ये तो अमूमन आपका ऐसा नहीं होगा हमेशा कि आपको इस तरह का परफेक्ट एक डबल बॉटम मिले, मिल भी जाता है लेकिन हमेशा 10 out of 10 टाइम्स तो नहीं मिलेगा। अब इसका तरीका क्या है, वो ऐसा नहीं करना है आपने कि भाई एक के ऊपर आपने अगर यहाँ पे लाइन लगाई है तो फिर उसके बाद आप ये करो कि दूसरे के ऊपर यहाँ पे लाइन लगाओ, इस तरह आपने नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि पीछे तो आपको ऑर्डर ब्लॉक्स की कम्बिनेशन के साथ ट्रेड करना है ना उसको। अब आप जब देखते हो कि फॉर इंस्टेंस चार्ट पे आ जाओ, हम उसको देखते हैं कहीं पे, मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है वो इन दिस केस ठीक है जी, हमने यहाँ पे देखा है ये पूरा जो जोन है ना यहाँ पे इसके विक्स मारे हैं इसने छोटे पोटे नन्हे मुन्ने, और उसके बाद आप साथ साथ देखते हो बॉडी के कैंडल्स वगैरह सारा कुछ। इसको अगर आप यहाँ गौर से देखो तो हमारे पास यहाँ पे एक फ्लैग जोन है क्योंकि क्लस्टर है सारा, या अदरवाइज आप सिर्फ इस जोन को देखो यहाँ पे, मैं जूम करता हूँ तो फिर ये किधर गया वो, सिर्फ अगर इस जोन को यहाँ पे देखा जाए ना, और मैं इसको रिप्ले में काट दूँ ताकि हम इसको जो है वो जूम करके देख सकें ठीक है, तो यहाँ पे हमें ठीक ठाक इम्पल्सिव मूव यहाँ पे मिला है इस पूरे कैंडल पे, वो अलग बात है इसको रिफाइन करके आपने छोटा करना है, तो हमें पता है यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक राइट। जब आपके पास एक बार ये कंफर्म हो जाता है ना कि आपके पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, और उसके बाद फिर आप जाते हो दोबारा चार्ट के ऊपर, अब आपने देखना है इक्वल लोज ठीक है, किधर गया वो ये वाला, अब आपने देखना है इक्वल लोज, तो इन दैट केस आप क्या करते हो, पूरा इसको इधर से लिया हुआ है, इसको जोन को देखते हो कि क्या यहाँ पे हमारे पास इधर इक्वल लोज बनते हैं नहीं बनते ठीक है, बल्कि एक इधर भी है, ये छोटा सा है मुझे दिखा नहीं है क्योंकि बहुत छोटा सा था, मगर एक इधर भी है जिसकी वजह से ये इधर विक मारा है इसने ठीक है। जब आप देखते हो एक बार कि इसी को उठा लेते हैं हम, एक बार इसको उठाओ ऐसे करो यूं ठीक, ताकि क्लियर हो जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि नज़रों में नहीं आता, तो ये तो आप लोगों को भी जो है वो जहन में रखना पड़ेगा। अच्छा अब देखें आपके लिए बहुत क्लियर हो गया, मैं एक बार और काट के इसको जूम करता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और भी है, इसको अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़े से जाएं तो हम इसको और जो है वो इसको रिफाइन कर सकते हैं, बल्कि 5 मिनट पे ही चलते हैं ठीक है। तो इन दैट केस आप इसको जो है, कभी कभी ऐसे गंग्स हो जाता है इंसान, मगर फिर आपने यही देखना है कि भाई कौन सा ऐसी जगह है कि जिससे आपके जो है वो इम्पल्सिव मूव हुआ है, आपका जो ओवरऑल पूरा ट्रेंड जो है या जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हुआ है उसकी वजह से, फिर उस हिसाब से आप उसको जो है वो ढूंढते हो। तो बाज़ औक़ात अगर कन्फ्यूजन हो तो फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लें, उस हिसाब से ये इस तरह लगाएं, और उसके बाद फिर आप देखें कि भाई आपका जो है वो सही लगाया कि नहीं लगाया। अब आप वापस आ जाओ एक एक घंटे पे और रिप्ले हम जरा बंद करते हैं इसको, हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या मैंने इसको सही लगाया कि नहीं लगाया ठीक है। तो मैं देखें बिल्कुल एग्जैक्ट लगाया इसको, बगैर ज़्यादा उधर चोर तुम्हारे ठीक ठाक उसको मैंने स्पॉट किया। अच्छा अब आपके पास यहाँ पे इक्वल लो बन गया,
अब हो सकता है कि एक लो जो इधर बनाया ना छोटा सा विक, वो नीचे, दूसरा हायर लो बनाया, बाकी उसके तकरीबन सेम टू सेम उसी लेवल पे है, उसके बाद वापस ऊपर गया। तो लिहाजा आप इस चीज को सिर्फ और सिर्फ जहन में रखें कि भाई ऑर्डर ब्लॉक का जो जोन है उसी के अंदर इक्वल लो बनाएगा तो ठीक है, अगर उससे हट गया नीचे या ऊपर या जो भी, तो इन दैट केस आप इंतजार करो, या तो फिर आप उसको स्किप करो, उसको छोड़ दो, किसी और कॉइन को पकड़ो। अब इसको एक और तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ये भाई आपका जो है वो ये वाला जोन, ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इसको हम थोड़ा नीचे ले आते हैं, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक, और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, प्राइस चल रही किधर, वो यहाँ पे कहीं चल रही, करते 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 आ गया इधर। अगर आप देखो कि इसी जोन में आपके पास इक्वल लो, चाहे वो डबल बॉटम में हो, ट्रिपल बॉटम हो, कि जो मर्जी हो, इसी जोन के अंदर आपके पास पहली दफा, ऐसा नहीं कि इससे पहले आ चुका हो, चला गया ऊपर फिर नीचे आ रहा हो, नो, अगर एक बार पहली दफा ही किया तो वेल एंड गुड, अगर ऐसा है कि वो पहली दफा कर चुका है, दोबारा ऊपर गया है, फिर आया है, तो फिर आपने उसको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि इन दैट केस कोई गारंटी नहीं है कि उसके अंदर कितना माल पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ, जो भी। तो पहली दफा में यहाँ से ऊपर गया और फिर आपने देखा इधर आया, उसी जोन में इसने इक्वल लो बनाया और फिर ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे आप उसको ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर इससे पहले एक बार आ चुका हो, फिर आप इसको इग्नोर करो। अब ये क्या हुआ कि भाई ऑर्डर ब्लॉक वाले जोन के अंदर ही उसने इक्वल लो बनाया, तो आपने उसको ट्रेड किया। अगर वो फर्ज करें कि थोड़ा गड़बड़ करे, इधर ऐसा कुछ हो या ऐसा कुछ हो, तो फिर आप उसको इग्नोर करो स्ट्रेट अवे, ठीक है जी। ओके ओके जी, काफी आज के लिए, बहुत ज्यादा बात कर ली, खामखा लंबा चौड़ा हो गया, ठीक है जी। बाकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह आप लोग देख लो, कुछ दिनों बाद फिर आखिरी जो महीना एंड होने वाला है, तो हम उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, फिर जिसके जो सवाल है एक डेढ़ घंटा वो सवाल जवाब करेंगे, दो दिन बाद, आज 27 है, 29 तक, ठीक है जी, चलो। ओके एवरीवन।